बाकायदा कार्रवाई के आगाज से पहले मैं गुजारिश करता हूँ आज की महफिल के सदर मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज के ऊपर, अपनी मखसूस नशीस पर तशरीफ रखें। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब से, जो आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी हैं, वो भी स्टेज पर अपनी नशीस पर तशरीफ लाएं। हमारी आज की इस नशिस्त के जो दो बकिया प्रेजेंटर्स हैं या दो बकिया जो लेक्चरर्स हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। सबसे पहले डॉक्टर ताहिर अब्रार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ रखें। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर मियां मोहम्मद अकरम साहब से कि वो भी तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ रखें। हमारी जो नशिस्त कल होगी उसके एक मुकर्रर यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जनाब अब्दुल वदूद खान साहब, मेरी गुजारिश है उनसे कि वो भी तशरीफ ले आएं, यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ ले आएं। हजरात, मुनासिब मालूम होता है कि अंजुमन खुदामुल कुरान, जिसकी दावत पर आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, उसका एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश कर दूं। मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान लाहौर आज से लगभग 33 साल कबल सन 1972 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। जब ये अंजुमन कायम की गई थी, उस वक्त इसके अगराज व मकासद जो तय किए गए थे वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि चूंकि हमें इस अमर का शदीद एहसास है कि इस्लाम की नशत सानिया और गलबे दीन हक के दौरे सानी का ख्वाब उम्मत मुस्लिमा में तजदीद ईमान की अमूमी तहरीक के बगैर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, और इसके लिए लाजिम है कि अव्वलन मंबाए ईमान व यकीन यानी कुरान हकीम के इल्म व हिकमत की वसी पैमाने पर तशहीर व इशाअत का एहतमाम किया जाए। लिहाजा हम चंद खादिमान किताब मुबीन मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान लाहौर के क़याम का फैसला करते हैं, जो कि मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब मौसूफ की रहनुमाई में मुंदरजा ज़ैल मकासिद के लिए कोशां होगी। नंबर एक, अरबी ज़बान की तालीम व तरवीज। नंबर दो, कुरान मजीद के मुताले की आम तरगीब व तशवीक। नंबर तीन, उलूम कुरानी की उमूमी नशर व इशात। नंबर चार, ऐसे नौजवानों की मुनासिब तालीम व तरबियत जो तालीम व तालुम कुरान को मकसद ज़िंदगी बना लें। और नंबर पाँच, एक ऐसी कुरान अकेडमी का क़याम जो कुरान हकीम के फ़लसफ़ा और हिकमत को वक्त की आला तरीन इल्मी सतह पर पेश कर सके। ये जो मकासद अगराज व मकासद उस वक़्त मुतय्यन किए गए थे, बिहम्दिल्लाह इन पर मुनासिब अंदाज में पेशरफ जारी है। अरबी ज़बान की तालीम व तरवीज के लिए बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए। कुरान मजीद के मुताले की और दुरूस कुरान की जो है महाफिल का इनेकाद, वो आप हजरात के इल्म में है कि मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान के तहत जो है बहुत से मकामात पर जारी है। और अब तो इस कुरान मजीद के पैगाम को फैलाने के लिए इंटरनेट और केबल के ज़रिए से जो वसाइल मुयस्सर आए हैं, उसके नतीजे के तौर पर आप हजरात जानते हैं कि ये पैगाम, कुरान का ये पैगाम और रुजू इला कुरान की ये तहरीक जो है, इसका तारुफ दूर दूर तक पहुंच चुका है। और उसकी कैफियत को सही तौर पर बयान करना आसान नहीं है, जिस तरह से, इसलिए कि हमें मालूम है, हम बैठते हैं यहाँ पर लाहौर में तो जिस तरह से लोगों का राबता दूर दूर के इलाकों से हो रहा है, इसी तरह से कुरान एकेडमी भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर दी गई थी। और कुरान एकेडमी ने अपने इन तमाम मकासद के लिए अमली तौर पर बहुत सी जो है इकदामात किए हैं। एक साल रुजू इल कुरान अंजुमन खुदामुल कुरान के तहत एक कोर्स होता है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें यहाँ पर एक साल के लिए, 9 माह के लिए जो है यहाँ पर कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, अरबी ज़बान की तालीम है,
और उन्हें इस काम के लिए तैयार किया जाता है कि वो इस तजदीद ईमान की दावत को लेकर आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से कुरान कॉलेज एक कायम किया गया है, ये वही कॉलेज है जिसके ऑडिटोरियम में इस वक्त आप हजरात तशरीफ फरमा हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट और बीए की सतह पर जो है तालीम दी जाती है नौजवानों को, और साथ कुरान मजीद से जो है रोशनास कराया जाता है। और अंजुमन खुद्दामुल कुरान के तहत बहुत से इल्मी तहकीकी और तसनीफी काम जो है इससे पहले भी हो रहे हैं, कई मजल्ले हैं जो जारी हैं जो यहाँ से जो है छप रहे हैं और लोगों तक ये दावत पहुँचा रहे हैं। और इसी अंजुमन के तहत कुरान अकेडमी लाहौर में साल 2004 में इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेक्शन का क़याम जो है अमल में लाया गया है, ताकि वो जो काम है बहस व तहकीक का काम, रिसर्च का काम, उसे मजीद जो है भरपूर अंदाज में और प्रोग्रेसिवली जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। आज की ये जो महफिल है, आज की ये नशिस्त है, और कल भी इंशाल्लाह नशिस्त यहाँ होगी, इसका दूसरा हिस्सा वो उसी सेक्शन के तहत जो है मुनक्किद कर रहे हैं। इस अंजुमन खुदामुल कुरान मरकजी अंजुमन की कई जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ शहरों में भी कायम हैं। कुरान अकेडमीज भी तकरीबन तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान में वहाँ पर काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉज जो है वो आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं आप हजरात को इसके तारुफ के साथ इस बात की दावत देता हूँ कि आप हजरात भी अगर इस मकसद के साथ इत्तेफाक रखते हों और कोई किसी किस्म का तआवुन जो है वो इसके साथ करना चाहें, इसके साथ शराकत करना चाहें, तो उसके लिए मैं आप हजरात को दावत देता हूँ। उसके बहुत से तरीके मुमकिन हैं। अंजुमन के कुछ जो है तारुफी लिटरेचर नीचे दस्तियाब है, स्टॉल लगा हुआ है बाहर नीचे फॉयर में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मेम्बरशिप फॉर्म भी मिल जाएंगे। अंजुमन का जो खबरनामा है जो हम शाया करते हैं जो इसकी एक्टिविटीज़ के, वो भी वहाँ नीचे दस्तियाब है, वो भी आप ले सकते हैं वहाँ से। और एक हैंडबिल अभी आपको यहाँ तकसीम किया गया है जिसमें खुशखबरी का एक उनवान है। इसकी पुष्ट पर जो है आपके लिए मुमकिन है कि अगर कोई आज की नशिस्त या कल की नशिस्त से मुतालिक सवाल करना चाहें तो वो सवाल जो है वो आप इस पर लिख सकते हैं, या इसमें हमारे काम के साथ किसी किस्म की का तआवुन आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं इसमें। तो ये अंजुमन खुद्दामुल कुरान का मुख्तसर सा तआरुफ है जो मैंने आपके सामने रखा है। हमने ये जो दो रोज़ा प्रोग्राम मुरतब किया है उसका पस मंज़र क्या है, क्या मोटिवेशन है, उसके ज़िमन में मैंने एक मुख्तसर सी तहरीर जो है वो लिखी थी। मैं चाहता हूँ कि आगाज़ में वो आपके सामने पढ़ दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके लिए हमारे पेश नज़र मकसद क्या है और हम क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से। इस तहरीर का उनवान है अज रिबा आखिर चमी जायद फितन। रिबा से सिवाय फितने के और क्या बढ़ सकता है, किस चीज़ का इजाफा हो सकता है। यह अल्लामा इकबाल के एक शेर का एक मिसरा है जो इसको उनवान बनाया है। इस्लाम के बारे में ये बात बिला झिझक और बगैर किसी तकल्लुफ के कही जा सकती है कि इसकी तालीमात इंसानी जिंदगी के हर गोशे पर मुहित हैं। इसी तरह इस मामले में भी किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता कि इस्लाम अपनी असल के एतबार से एक हमगीर इकाई है, यानी इस्लाम के ईमानी और एतकादी उमूर का इनफिरादी और इज्तिमाई आमाल व अफाल से ऐसा ही ताल्लुक है जैसा इंसानी जिस्म व जान, इंसानी जिस्म का जान और रूह से। इसी तरह का मामला इनफिरादी और इज्तिमाई मामलात और इज्तिमाईत के मुख्तलिफ गोशों का आपस में भी है। माशी उमूर के ज़िमन में जो अहकाम दिए गए हैं उनका ईमानियात से तो ताल्लुक है ही, समाजी व माशरती मकासद से भी गहरा रब्त ताल्लुक है। रिबा यानी सूद इसकी बेहतरीन मिसाल है। बज़ाहिर ये एक माशी लेन देन का मामला है, लेकिन अगर बनज़र गायर देखा जाए तो एतकादी सतह पर यह अल्लाह पर ईमान व तवक्कुल का बराह रास्त नाकिद है। इंसानी जान की तीरगी और कल्ब रूह की कसावत की अलामत है। ये भी असल में अल्लामा इकबाल के एक शेर का जो है वो तर्जुमा है और उस मिसरे का, जिसमें उन्होंने कहा अज रिबा जान तीरा दिल चूं खिश्त संग, और बैनुल इंसानी माशरती अकदार के लिए मुहीब इफरीत की मानिंद है। अल्लामा ने फरमाया था कि आदमी दर्रिंदा बेदंदान व चंग। शायद इसी बिना पर फरमाया है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस कौम में अल्लाह पर ईमान के दावे के बावजूद रिबा के मामलात गलबा पा लें, उस कौम को गुर्बत व अफलास के अजाब में मुबतला कर दिया जाता है।
हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिम अर्रिबा इल्ला वअख़िज़ू बिस्सना व मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिम अर्रशा इल्ला वअख़िज़ू बिर्रुब, कि जिस कौम में रिबा जो है आम हो जाता है, वो गलबा पा लेता है रिबा के मामलात, उसे कहत के अजाब में पकड़ लिया जाता है, और जिस कौम में रिश्वत आम हो जाती है, रिश्वत का लेन देन, उसे रौब के अजाब में पकड़ लिया जाता है, वो कौम जो है वो डरपोक हो जाती है, मरऊब हो जाती। हदीस मुबारका में बयान करदा इस वईद को जान लेने के बाद इस हकीकत को समझ लेना चंदा मुश्किल नहीं रहता कि हमारे मुल्क में मुबैना तौर पर बैरूनी सतह पर कशकोल शिकनी के बावजूद और ज़रे मबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफे के अलर रग़म गुरबत में रोज़ अफजू इजाफे और आम आदमी की माशी परेशानियों में ऑफ द रिकॉर्ड तरक्की का असल सबब क्या है। वो यह असल सबब यह है कि हमने अल्लाह से बगावत की है, उस निज़ाम जो रिबा का निज़ाम है उसे जो है छोड़ने पर तैयार नहीं है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है जो हम पर मुसल्लत कर दिया गया। हकीकत के पेश नज़र किस कदर काबिल अफसोस बात है कि आज 57 बरस गुजरने के बाद भी सूरत हाल ये है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाला मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस उम्मुल खबाइस यानी सूद के हवाले से उसी मकाम पर खड़ा है जहां 57 बरस पहले था, बल्कि बाज हवालों से तरक्की माकूस का शिकार है। कायद आजम ने 1948 में स्टेट बैंक की इमारत की इफ्तिताह के मौके पर वाशकाफ अल्फाज में वो हकीकत बयान कर दी थी जो मस्कूरा बाला हदीस में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुनकशिफ की थी। कायद आजम ने फरमाया था कि मगरिब के सूद पर मबनी माशी निज़ाम ने इंसानियत को सिवाय पसमानदगी और महरूमी के कुछ नहीं दिया। ये उनकी इंग्लिश में तकरीर थी जिसका पूरा इक्तिबास जो है वो मौजूद है हमारे पास। इंसानी मसाइल कम होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा की जानिब गामजन है। अपनी उसी तारीखी तकरीर में कायद आजम ने माहिरीन माशियात को इस्लामी उसूलों पर मबनी निज़ाम वज़ा करने का टास्क दिया था ताकि एक हकीकी फलाही इस्लामी रियासत के तकाजे पूरे किए जा सकें। गुज़श्ता 57 बरस के दौरान मईशत को सूद से पाक करने के ज़िमन में कई कोशिशें भी हुई हैं, ये नहीं है कि इस मामले में कोई कोशिश नहीं हुई, कोशिशें होती रही हैं, सिर्फ चंद का इशारतन जिक्र मुफीद रहेगा। 1969 में इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल, जिसे बाद में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कहा जाता था, ने यह फैसला दिया कि बैंक इंटरेस्ट रिबा है, लिहाजा इसे मुल्की मईशत से देश निकाला दिया जाए। फिर इसी काउंसिल ने 1980 में बिला सूद निज़ाम मईशत पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत वक्त को पेश की। बाद अजां 1984 में मार्कअप फाइनेंसिंग पर तंबीही रिपोर्ट जारी करके काउंसिल ने अपनी ही सबका रिपोर्ट की बाज कमजोरियों का इजाला कर दिया। इस पर मैं इंशाल्लाह तफसीलन कल जो है कुछ जिक्र गुफ्तगु करूंगा कि वो क्या कमजोरियां थी जिसके नतीजे में उन्हें एक रिवाइज रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। इसके बाद 1991 में फेडरल शरीयत कोर्ट के सह रुकनी बेंच ने तवील समात के बाद यह तारीखी फैसला दिया कि बैंक इंटरेस्ट रिबा होने की बिना पर इस लायक है कि इससे मुतालिका कवानीन को कानून की किताबों से खारिज किया जाए और जून सन 1992 तक मुतबादिल कानून फराहम करके उनके मुताबिक मामलात को उस्तवार किया जाए। बजाय इस फैसले पर खुलूस से अमल दरामद करने के, मफाद परस्तों के कुछ एक गिरोह ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और यूं मामले को तवील मुद्दत तक के लिए इल्तवा में डाल दिया गया। 1992 में ही कमीशन फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ने भी गैर सूदी निज़ाम मईशत पर अपनी तफसीली रिपोर्ट काबीना को पेश करके हकूमत वक्त पर इतमाम हुज्जत कर दी। 1997 में उस वक्त के वजीर आजम ने अंजुमन खुदामुल कुरान के सदर मुअस्सिस जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब से एक निजी मुलाकात में वादा किया कि गैर सूदी निज़ाम मईशत पर मुस्बत पेशरफ्त के ज़िमन में कोई दकीका फरोग गुजाश्त नहीं किया जाएगा। वो यहाँ वादा करके गए थे। इस दौरान अंजुमन खुदामुल कुरान और तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुजाहिरों, सेमिनार्स और मुरासलाती मुहिम के जरिए इंसिदाद सूद के हक में एक भरपूर मुहिम भी चलाई गई ताकि उन्हें जो है ये एक सपोर्ट मिल सके कि आवाम की तरफ से भी एक ख्वाहिश का इजहार हो रहा है और वो चाहते हैं कि सूद जो है उसका खात्मा हो,
लिहाजा हमने एक भरपूर मुहिम यहां से लॉन्च की, लेकिन काफी मुद्दत गुजार देने के बावजूद हकूमती सतह पर किसी मुस्बत पेशरफ्त के आसार नजर नहीं आए। बिल आखिर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के लिए 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दिया और एक मरतबा फिर तमाम उमूर पर बिल्कुल इब्तदा से बहस का आगाज किया। मैं आप हजरात की दिलचस्पी के लिए अर्ज कर देता हूं कि इस 5 रुकनी बेंच में जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब भी उसके एक मेंबर थे, आज वहां तशरीफ फरमा है, आज इंशाल्लाह हम उनसे इसकी तमाम रुदात जो है और उसका पस मंजर और पस मंजर भी सुनेंगे। तकरीबन 4-5 माह पर मुहित समाती नशिस्तों के बाद फाजिल अदालत ने मिन जुमला उन्हीं फैसलों का इरादा किया जो 8 बरस कबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के 1000 से जायद सफहात पर मुश्तमिल इस फैसले में हकूमती इदारों को पाबंद किया गया था कि वह जून 2001 तक गैर सूदी निज़ाम के जुमला तकाजे पूरे करके मामलात को इस्लामी तरीकों के मुताबिक उस्तवार कर लें। एक आज़ाद अदलिया के इस फैसले पर कौम ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि अब इम्कान पैदा हो गया था कि अल्लाह के खिलाफ छेड़ी गई जंग से रुस्तगारी के हालात फराहम हो सकें। यहां एक मरतबा फिर हमारी कौमी और इज्तिमाई बदकिस्मती ने सर उठाया। कोर्ट के इस फैसले की शक्ल में अल्लाह की तरफ से इत्माम हुज्जत कायम होने के बावजूद हकूमत वक्त ने UBL के कांधों पर रखकर यह बंदूक चलाई कि जब कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुद्दत मोहलत नजदीक आई तो मालूम हुआ कि इस फैसले के खिलाफ कहीं आलम बाला ही बाला में एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। रिव्यू पिटीशन की समाअत का वक्त आया तो कैफियत यह थी कि साबका बेंच के जजेस में से 3 जजेस PCO के तहत हल्फ न उठाने की बिना पर या किसी दूसरे सबब से रिटायर हो चुके थे। जस्टिस साहब भी जो है वो रिटायर हो चुके थे, इसलिए कि इन्होंने भी PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। जो 2 बाकी थे उनमें से एक फाजिल जज 1999 के फैसले के सिग्नेटरी होने के बावजूद अब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे थे, बकिया जजेस नए थे। बहरहाल इस मौके पर बेंच ने साबका फैसले में यह तब्दीली कर दी कि अब मुद्दत मोहलत यानी डेडलाइन जून 2001 नहीं बल्कि जून 2002 शुमार की जाएगी, गोया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजीद 1 साल की मोहलत दे दी गई। अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग जारी रखने की यह मोहलत भी बनाम खुदा मुकम्मल हुई तो एक मरतबा फिर कोर्ट में स्टेज सजाया गया। अब की बार ये तदबीर पहले से ही कर ली गई थी कि बेंच में मौजूद वो वाहिद जज जो आलिम दीन होने के साथ साथ साबका फैसलों के शाहिद भी थे उन्हें बयक नोके कलब मनसबे मुनसफी से हटा दिया गया। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। किस्सा मुख्तसर, नौबत बईजा रसीद की अब PCO पर हल्फ उठाई हुई अदालत ने अपने ही साबका फैसले को कल आदम करार देने में कोई आर महसूस न की और यह फैसला सादिर फरमाया कि 1999 वाला फैसला अदल के तकाजों से मुतजाविज था, लिहाजा कल आदम किया जाता है और मामला शरीयत कोर्ट की तरफ लौटाया जाता है ताकि वो भी अपने 1991 वाले फैसले पर नजर सानी कर ले। इस फैसले का और कोई फायदा हो ना हो, एक फायदा जरूर है और वो ये कि अल्लामा इकबाल के इस शेर की सदाकत के लिए जिंदा मिसाल हाथ आ जाती है कि बंदगी में घुट के रह जाती है या घट के रह जाती है, दोनों तरह से पढ़ा गया है। बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए कमाब और आजादी में बहरे बेकरां है जिंदगी, यानी बंदगी और आजादी जो है यहां पर PCO का होना या ना होना वो इससे मुराद है। गुज़िश्ता 3 बरसों से अब यह फैसला शरीयत कोर्ट के सर्दखाने की जीनत है। बदकिस्मती से उम्मत मरहूम की किस्मत 2 बुरे इंजामों के माबैन मुअल्लक नजर आती है, इल्ला ये कि रहमत खुदाबंदी हमारी दस्तगीरी फरमा ले और ये बईद नहीं, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो किसी वक्त भी शामिल हाल हो सकती है। एक इंजाम उन तारीखी हरबों की सूरत में है जो अल्लाह के खिलाफ जंग का चैलेंज कबूल करने पर हर रोज एक नई उफ्ताद की मानिंद हमारी पीठों पर बरसता है। जो जो दिन गुजर रहा है वो गोया उसी की एक एक्सटेंशन है कि हमने उस पर डिटाई के साथ जो है अड़े रहने पर अपने आप को तैयार किया हुआ। मुल्क को लाहिक दाखली और खारजी खदशात इस जारी जंग के नताइज का महज एक परतौ है, असल इंजाम को जबान पर लाने से ही कपकपी तारी होती है। दूसरा मुतवक्के इंजाम उस जैसा मुमकिना अलमिया है जो सन 2002 में PCO पर हल्फ उठाई हुई कोर्ट के हाथों कमाल होशियारी से इंजाम पजीर हुआ था, यानी खाकम बदहन के कहीं यही खेल फेडरल शरीयत कोर्ट में भी न खेल दिया जाए और ये कांटा हमेशा के लिए ही ना निकाल दिया जाए।
इस सूरत हाल में ये कहना गलत ना होगा कि ये वक्त दुआ है। हर होशमंद और बाशऊर शख्स को मामले की नजाकत पहचान कर दुआ के साथ साथ इस काम के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोरखा 16 और 17 फरवरी को बाद नमाज मगरिब कुरान ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार बउनवान इस्लाम और बैंकिंग का हदफ और मुहर्रिक भी यही है कि मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में अमूमी आगाही पैदा की जाए। दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए यह सेमिनार इल्म आगही का एक बेहतरीन जरिया साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। हजरात, ये इसका एक पस मंजर मैंने आपके सामने रख दिया। हमारी जो ये नशिस्तें हैं आज की और कल की, उसमें हमने एक मानवी तकसीम रखी है। आज हम सूद के मुतालिक, रिबा से मुतालिक कुछ उसूली बातें जो हैं उस पर गुफ्तगू सुनेंगे। इसकी हलाकत खेजी क्या है, किस तरीके से ये एक पूरे निज़ाम को जो है जकड़बंदी में ले आता है सूदी निज़ाम। सूद हकीकत में है क्या, कुरान ने सूद को क्या बयान किया है, हदीस में सूद का जो है वो वजाहत किस तरीके से हुई है, और इसी तरीके से पाकिस्तान में इंसिदाद सूद के हवाले से हम किस मकाम पर खड़े हैं, इसका माजी क्या है, हाल क्या है, और मुस्तकबिल के इम्कानात क्या हैं। तो ये आज के मौजूआत हैं इंशाल्लाह। कल हम इसके निस्बतन जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो ये कि सूदी गैर सूदी निज़ाम के लिए हकीकी जो है इस्लामी असासात क्या हैं। बहुत सी असासात हैं जिन पर कुछ काम हो रहा है, इस्लामी बैंकारी हो रही है। अगर वो सही हैं तो वो किस हद तक सही हैं, अगर उनमें कुछ गलती है तो वो क्या है, उसकी कोशिश की जाएगी, निशानदेही करें। और फिर ये है कि एक ऐसा मुतबादिल जो अभी तक जिसका पूरी तरीके से तारुफ नहीं हो सका, जिसकी एक कहना चाहिए कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसे पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया जा सका, उसका एक तफसीली तारुफ जो है वो भी इंशाल्लाह हम कल पेश करेंगे। तो ये एक मानवी तरतीब है। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद, या अगर तारुफ ज़्यादा तवील हो गया तो इस तवील तारुफ के बाद अब मैं आज के सबसे पहले मुकर्रर को दावत देना चाहता हूँ, जनाब डॉक्टर ताहिर अबरार साहब को मैं दावत देता हूँ। इनका ताल्लुक सादिकाबाद से है और बहुत मुनासिब, या कहना चाहिए कि बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये साइंस के दोनों शोबों से इनका ताल्लुक है, फिजिकल साइंसेस से भी। ये आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, और साथ ही सोशल साइंसेस से भी इनका ताल्लुक है। एक तवील अरसे से जो है इस्लामी निज़ाम, खासतौर पर बैंकारी का निज़ाम, और कैसे गैर सूदी निज़ाम काम करेगा, इस पर ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो फोरम पर जाकर लेक्चर देते हैं, IBA सखर में जो है ये मुस्तकिल लेक्चर देते हैं इन मौजूआत के ऊपर। तो हमारे आज के पहले मुकर्रर डॉक्टर ताहिर अबरार साहब हैं, इनके लिए हमने जो मौजू तजवीज़ किया है वो है जदीद निज़ाम बैंकारी और आलमी मालियाती शिकंजा तारीख के तनाजुर में। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर ताहिर अबरार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मजलस, मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ हाजिरीन, जदीद बैंकारी क्या है, इसने किस तरह से एक आलमी मालियाती शिकंजे की सूरत इख्तियार कर ली है, और फिर इस ज़मन में तारीख का तनाजुर क्या है, ये मौजू असल में बहुत ज़्यादा वसत का हामिल है। और मुख्तसर वक्त की एक महदूद नशिस्त में इस मजमून का इहाता करना करीबन करीबन नामुमकिन है। अब यहां गालिब का मुझे वो शेर भी याद आ रहा है कि उनके अशार को मुश्किल समझते हुए जब लोगों ने एतराज उठाया तो गालिब ने कहा कि आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोयम मुश्किल वगर ना गोयम मुश्किल। अब कहता हूं तो भी मुश्किल है, नहीं कहता तो भी मुश्किल है। तो अब सोचा मैंने ये है कि कुछ जेरे सतह हकीकतें और कुछ मालूम हकायक, उनको इस अंदाज में, कदरे गैर रिवायती अंदाज में आप हजरात के सामने रखता चला जाऊं, और कुछ ब्लैंक्स को आप वो फिल करते चले जाएं। इस तरह से महदूद वक्त में एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर इस खून आशाम दरिंदे की, ये जो जदीद बैंकारी की सूरत में आलमी मालियाती शिकंजा जिसे हम कह रहे हैं, इसकी एक तस्वीर मुकम्मल हो सके और हमें अंदाजा हो सके कि अहद हाजिर किस अजाब में मुबतला है, और अजाब की इस भट्टी को दहकाने वाले और दहकाते चले जाने वाले कौन हैं। चूंकि हमारा जो मजमा है, मुझे अंदाजा है कि अक्सर लोग बैंकारी और माशियात, ये चूंकि यूं कहना चाहिए स्पेशलिटीज हैं,
तो उनका ताल्लुक इन स्पेशलिटी से नहीं है, इन मिजामीन से नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं बैंकारी के जिम्मन में एक मोटी सी बात यह बता दूं कि बैंकारी असलन दो चीजों का मुरक्कब है। 13वीं और 14वीं सदी में जब यह बैंकारी मुनज्जम होना शुरू हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक अगरचे नई इख्तराआत ने, टेक्नोलॉजी ने इसकी शक्लो शबाहत में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की हैं, लेकिन असलन यह बैंकारी जो है सूद और जुजवी रिजर्व, फ्रैक्शनल रिजर्व जिसे कहा जाता है, इन दोनों का मुरक्कब है। तीसरा एडवांस जो हकीकी मानों में हुआ है जदीद बैंकारी में, वो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी है, लेकिन यह मौजू तवील हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है इसके नतायज वाकिफ क्या होंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो कबलज वक्त है। लेकिन असलन बैंकारी की यह मजबूत इमारत जिन दो इंतहाई यूं कहना चाहिए कि मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी है अब तक, उसमें एक तो सूद है जिसके बारे में हम तकरीबन वाकिफ हैं। सूद के बारे में जो तफसीली गुफ्तगू है वो कल हमारे एक फाजिल मुकर्रर करेंगे और शरी असलाहत की रोशनी में उसकी वजाहत मजीद हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आमतौर पर सूद का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है इस वक्त बात समझाने के लिए वो भी काफी है। अलबत्ता दूसरी चीज जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व या जुजवी रिजर्व कहा जाता है, उससे अक्सर हजरात वाकिफ नहीं है। बैंकरों ने असल में आगाज में ही यह शर्त मनवा ली थी कि वो अपने सरमाए का 10 गुना कर्ज के तौर पर जारी करेंगे। यानी अगर एक बैंक के पास 1 अरब रुपया ये इब्तदाई डिपॉजिट्स हैं या उसका पेड अप कैपिटल है या सरमाया कह लीजिए, तो वो बैंक 10 अरब रुपए के कर्जे जारी करने का हकदार है। यह बात जरा अचंभे वाली है कि पास तो है 1 अरब रुपया, तो ये 10 अरब रुपए के कर्ज कैसे जारी किए जा रहे हैं? तो असल में कानूनी तौर पर यह सहूलत दी गई है बैंक को कि वो 10% रिजर्व का बंदोबस्त करके 10% महफूज रखकर अपने पास, ताकि लोग अगर जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी रकम लेने के लिए वापस आ जाए तो बैंक उनकी अदायगी कर सके, बाकी रकम जो है वो बैंक कर्ज के तौर पर जारी कर सकता है। और जर की गर्दिश का निजाम ऐसा है कि कोई रकम खास किसी भी मकसद के लिए कर्ज क्यों ना दी जाए, वो किसी ना किसी अकाउंट के जरिए दोबारा घूमकर बैंक में वापस आ जाती है। लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए तकिए के नीचे रखकर कोई नहीं सोता। यह रकम जो है उसमें से फिर 10% रिजर्व रखकर उसे फिर लैंड आउट किया जा सकता है। जब इस तरीके से 10 सर्कल चलते हैं तो फिर गोया रिजर्व रखने के लिए कानूनी तौर पर अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब गोया बैंक जो है उसकी यह कर्ज देने की जो सतह है वो सैचुरेट हो गई है। यह रिजर्व जो है इसे स्टैचुटरी रिजर्व भी कहा जाता है। इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल वजूद में आती है। 1 अरब रुपए की रकम 10 अरब रुपए में तब्दील हो जाती है। ये जो 9 अरब रुपए इजाफी हैं, इसे एक स्कॉट माहिर मुआशियात ने आउट ऑफ साइट करेंसी का नाम दिया था। ये वो करेंसी है जो नजर नहीं आती लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। और ये जो शोर मचाया जाता है कि किसी हुकूमत ने अगर कुछ करेंसी और प्रिंट कर ली तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, कीमतों में इजाफा हो जाएगा, इस इन्फ्लेशन के और भी असरात होंगे, तो हकीकत यह है कि अगर कोई हुकूमत उसी कदर करेंसी और प्रिंट कर ले जितनी उसके खजाने में पहले मौजूद है तो करेंसी की मिकदार सिर्फ 2 गुना होती है। लेकिन जब यही करेंसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है तो यह 10 गुना हो जाती है। इन्फ्लेशन असल में यहां पैदा होती है लेकिन इस हकीकत का सुराग आपको मनी एंड बैंकिंग की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि यह चीज बैंकरों के मफाद में नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से अहद हाजिर में इज्तमाही इदारों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है उसकी वजह से हकीकत की नकाब कुशाई करने की जरूरत कोई कर नहीं सकता, और अगर कोई करे तो उसका नाम मुआशियात की किसी किताब में आने नहीं दिया जाता। तो यह समझ लीजिए कि यह वो सूद के साथ जरब खाकर यह जो फ्रैक्शनल रिजर्व है, जुजवी रिजर्व,
یہ کیا قیامت ڈھاتا ہے، اس کا کچھ جائزہ جو ہے وہ میں آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بنیادی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ سود کے ساتھ دوسری خوفناک چیز جو ہے وہ اصل میں یہ آؤٹ آف سائٹ کرنسی ہے جس کے جاری کرنے کا اختیار بینکروں کے پاس ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حکومت اپنے بجٹ میں خسارہ محسوس کرتے ہوئے کچھ اور کرنسی چھاپنا چاہے تو عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے۔ لیکن بینکر یہ کام ہر وقت اور ہر آن کر رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں، دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں۔ اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے، اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 5.5% سالانہ سود، کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5.5% سالانہ سود، 6%، 10%، 18% یا 20%، اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ 5.5% سالانہ سود، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح، تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی، کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا، تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا۔ خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں، سوئی گیس۔ اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایس این جی پی ایل والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے، انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں، تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا۔ پاور جنریشن، بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں، ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے، اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے، جو بھی ہے، وہ او جی ڈی سی والوں کا پروڈکٹ ہے، تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے سٹاف کو، خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے، ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں، لگزری گاڑیاں بھی ہیں اس میں، گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے، وہ سب کا سب لیز پر ہے، تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے۔ جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے، وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں، وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے، تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی، تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے، یعنی عمل کے بعد، اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اسے منڈی میں، ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی، اسپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈفرینس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں۔ اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے، ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے، ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے، اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے، ٹیوب ویل بھی درکار ہے، ان کا فیول بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے، تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں، اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے، تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی، جننگ فیکٹریوں میں آئے گی، جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا۔ یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں، اسپننگ ہوگی، کپڑا بنے گا، پھر اس کی فنیشنگ، اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ، اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی، تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا۔ تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے۔
और अगर एक सतह पर बैंकर का सूद जो है वो 10% हो, इसकी शरह तो घटती बढ़ती रही है माजी में, लेकिन औसतन अगर इसे 10% समझा जाए तो 550% सूद की अदायगी सिर्फ इस एक कपड़े के ऊपर हम कर चुके हैं, और अभी हमारी एक जरूरत पूरी हुई है। अभी आटा भी दरकार है, चीनी भी दरकार है, घी भी दरकार है, दवाइयां भी दरकार हैं, स्टेशनरी भी चाहिए, इसके अलावा किसी ना किसी किस्म का फ्यूल घर में जल रहा है, कोई सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सवारी का फ्यूल है, घरों के अंदर बिजली इस्तेमाल हो रही है। ये 10 बेसिक कमोडिटीज हैं, आसाइशात का इसमें कोई जिक्र मैंने नहीं किया। इस 10 को जरा 550 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 5,500% सूद जो है, एक तहज्जुद गुजार की कमर पर भी यह बोझ लदा हुआ है, और वो भी चारों नाचार, वो जो इस जमाने के रब बने बैठे हैं, वो उनकी बंदगी करने पर मजबूर है। और ये है वो टूल जिसके जरिए से उन्होंने इस जमाने में अवाम की हाकमियत मुतलका का दिल फरेब नारा देकर अपनी रबूबियत मुसल्लत कर रखी है। सिर्फ यही एक टूल है। आप जहां भी एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको तह में यह बात नजर आ जाएगी। सबसे अहम बात तो यह है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कोई हुकूमत दुनिया की इस वक्त ऐसी नहीं, बशमूल अमरीका की हुकूमत के, बल्कि अमरीका की हुकूमत तो दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज हुकूमत है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो बैंकरों की मकरूज ना हो। तो फिर थोड़ा सा अपने तखैल को हरकत दीजिए तो आप फौरन इस नुक्ते तक पहुंच जाएंगे कि जमहूरियत, फौज और बादशाहत, दुनिया भर में ये तीनों इदारे बैंकरों के गुलाम इदारे हैं। फिनांस के बगैर इनमें से कोई काम कर नहीं सकता। फिनांस कहां से आता है? फौज को भी ये फिनांस जो है डिफेंस बजट, नेशनल बजट में से मिलता है। और नेशनल बजट कहां से आता है? नेशनल बजट में तो पिछली डेब्ट सर्विसिंग जो है उसके लिए भी सूदी कर्जा लिया जाता है, तो फौज को कहां से मिलेगा? तो वो जो दे रहे हैं उन्हें पता है कि हम कर्ज किस किस को दे रहे हैं, आगे जाके कहां कहां तकसीम होगा, तो उसके जरिए से वो दुनिया भर में फौज को भी इस्तेमाल करते हैं। और जमहूरियत तो है ही पैसे का खेल, बाकी रह गए वो बादशाह। तो बादशाहों का हाल हमारे सामने है कि एक दो बादशाहतें जो नाम की बादशाहतें नहीं थी, बिलाकर उन्होंने अपने हथकंडों के जरिए उन्हें भी वर्ल्ड बैंक का मकरूज कर दिया। यहां से यह बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि बैंकारों ने वो इल्यूजन्स, वो फ्रेब हाय नजर जो उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, उसके जरिए से उन्होंने जब हुकूमतों को इस तरीके से, और जाहिर है पूरे ग्लोब के ऊपर यही तीन किस्म की जो हैं कुव्वतें वो हुकूमत कर रही हैं, जमहूरियत है, फौज है, बादशाहत है, जब उन्होंने उनकी रगे जहां जो है दबोच रखी है, तो फिर उनके तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हों, खा वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, और खा उनके इंतजामों इंसराम के तहत चलने वाले इबादत खाने हो, उसमें किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने अपने मकासद की आबियारी का बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन यह कि यह बात किसी की समझ में वो आने नहीं देते, और वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो इस जमाने में लोगों के जहन पर मुसल्लत हो चुके हैं, उसके जरिए से वो लोगों के मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में कुछ ऐसी तस्वीर कशी करते हैं, कुछ ऐसा सहर फूंकते हैं कि लोग अपने मसले की तह तक पहुंचने की बजाय, इस हकीकत को बेनकाब कर लेने की बजाय, कुछ ऐसे साइड इश्यूज में फंसे रहते हैं कि जिनमें प्लस माइनस करना यह जो है हमारी सियासी हुकूमतों या दूसरी हुकूमतों का एक मशगला है अवाम को जरा मुतमइन रखने के लिए, वरना इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये असल में मैंने माइक्रो लेवल पर बात करने की कोशिश की थी। इनफरादी सतह पर यह 5,500% का शिकंजा जो है इसने किस तरह से दबोच रखा है इंसानों को, और किस तरह से उनके औकात और उनकी मेहनतें वो निचोड़ी जा रही हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं कि किस बोझ ने उनकी कमर दोहरी कर रखी है। सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान भाग रहा है और सही मानों में मुआशी हैवान बन चुका है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है कि यह बोझ लादने वाला कौन है, किसने उसकी कमर तोड़ रखी है। जिसके पास कुछ वक्त था अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए फराइज के अलावा नवाफिल की सूरत में, वो उनसे महरूम हुआ।
जो सिर्फ फराइज की हद तक था वो उनसे महरूम होता चला जा रहा है। और अब तो पाकिस्तान में ये बला कंज्यूमर फाइनेंस के नाम पर हर आदमी की गर्दन पर सवार की जा रही है। इस खूबसूरत बला, मैं ऐसे खूबसूरत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तान में चूंकि पहली बार ये बात अमल में आई है, वरना इससे पहले तो कर्जे बड़े बड़े लोगों को मिला करते थे, तो लोग अब भाग भाग कर वो फ्लेक्सी लोन्स और उसके अलावा वो किस्तों पर मिलने वाली चीजें वो ले रहे हैं। लेकिन 2 या 3 साल के अरसे में लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से अब उनके एसेट्स जो हैं वो औने पौने बिककर बैंकरों की तिजोरियों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, अहले मगरिब ने यह तजर्बा हासिल करते हुए उन्हें कुछ वक्त लगा था क्योंकि यह पहला तजर्बा था और उस जमाने में वो सहूलतें भी नहीं थी कि आदाद और शुमार जल्दी से मुयस्सर आ जाएं, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं थे। अब यह तजर्बा करने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस माइक्रो लेवल से अगर हम एक स्टेप अब ऊपर जाएं और मैक्रो लेवल की बात करें तो कौमी सतह पर भी हम जानते हैं कि $36 बिलियन के कर्जे इस वक्त भी हमारे सर पर हैं और इन कर्जों के जरिए से हमारी मुक्तदरा को हर जमाने में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में हर फिक्र और समझ रखने वाला फर्द जो है कोई ना कोई अपनी राय जरूर रखता है और समझता है। लेकिन बिल्कुल हालिया जो यूं कहना चाहिए इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस मुल्क को जो टेक्निकली तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका था, उसे डिक्लेयर नहीं किया गया था, उसी मुल्क की जिली हुकूमतों को पिछले एक साल में इंडिपेंडेंट कर्जे दे दिए गए हैं। ना सूबाई हुकूमत दरमियान में है ना विफाकी हुकूमत दरमियान में है। एक साल से, और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट थी जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कर्जा दिया था, उसके बाद खानेवाल, फिर लोधरा, फिर रहीम यार खान, उसके बाद तो अब बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें यह कर्जे दिए जा चुके हैं और ये कर्जे वो हैं जो तलब भी नहीं किए गए, ये भाग भाग कर दिए जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि मिसाल के तौर पर बाप तो हो बैंकरप्ट तो उसी की नाबालिग औलाद को वही बैंकर आकर कर्जे दे रहा हो तो इसका मतलब क्या है? अब ये जो उनकी फसूकारी है उसी का एक मजहर यह भी है, ब्लैंक्स आप फिल करते चले जाएंगे। ताजा तरीन बात जो मेरे इल्म में आई वो ये है कि ये हमारे यहां जो केबल सिस्टम चला है और जिसके जरिए से हमारी कदरों के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक यलगार जो है उरियानी और फहाशी ने कर डाली है, इस केबल के बारे में पेमरा के जो कवानीन हैं अगर आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस केबल को काट देने का जुर्माना 10 मिलियन रुपए है। ये केबल सिस्टम मैं इसकी बात कर रहा था कि जिसके जरिए से हमारे घरों में ये जो उरियानी और फहाशी का एक वो सैलाब जो है उसने रुख कर लिया है, हमारी कदरों के खिलाफ, हमारे ईमान के खिलाफ, हमारे औकात के खिलाफ जो यलगार है, इस केबल को अगर कोई नुकसान पहुंचाए, इस केबल को अगर काट दे कोई शख्स तो उसे 10 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अंदाजा कीजिए ये कौन सी चीज है जिसका ताल्लुक हमारी रिवायात से, हमारे दीनी विरसे से, हमारी कौमी यूं कहना चाहिए अहमियत की चीजों से है। सोचने की बात है कि ये किसने करवाया है। ये लिंक्स अब आप जोड़ते चले जाइएगा। और इसी आलमी शिकंजे का जो है अब अगला स्टेप, और यूं कहना चाहिए ये तकरीबन तकमीली मरहला है अब, और वो ये है कि WTO की शक्ल में ये बैंकर जो हैं दुनिया भर की हुकूमतों को बेअसर करके और वो जुग्राफियाई हदूद जो कहने को मौजूद रहेंगी उनके होते हुए भी उन जुग्राफियाई हदूद से बालातर एक हुक्मरानी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि दर हकीकत वो हो चुके हैं। अब तो इसका एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। यह इख्तियार पहले ही उन्हें हासिल हो चुका है मार्केट इकोनॉमी की वजह से कि वो चाहें तो हमसाया मुल्क में प्रोडक्शन करें, इस मुल्क में बेचें और जो सरमाया है उसे तीसरे मुल्क में ले जाएं, तो ये जुग्राफियाई हदबंदियां कहीं उनके रास्ते में मुजाहमत पेश नहीं कर सकती।
WTO की शरायत के मुताबिक मेंबर मुल्क से, जो मेंबर ममालिक हैं उनमें से किसी मुल्क से कोई चीज इंपोर्ट करने पर कोई हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। तो अब जरा तसव्वुर में लाइए कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का नाजिम अगर वो ये चाहे कि मैं इसराइल से कोई चीज इंपोर्ट करूं और जिस बैंकर ने उसे पैसा दे रखा है वो उसे कहे कि ये कर्जे वापस करने के लिए, ये बात आप जानते हैं कि ये तमाम कर्जे जो दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हुकूमतों को ये सारे के सारे मिट्टी में दबा दिए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, फवारे लगाए गए हैं, डेकोरेशन की गई है, प्रोडक्शन कहीं से कुछ नहीं है, तो ये कर्जे और इनका सूद कहां से वापस होगा? तो फिर वो बताएंगे कि देखो हम तुम्हें बताते हैं कि इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करो और इसके लिए फलां चीज और फलां माहिरीन फलां जगह से आने चाहिए। तो अब बताइए कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत जो है वो इस मामले में क्या कर सकती है? इख्तियार उसके पास है नहीं, पैसा इस जिली हुकूमत ने बराह रास्त उससे लिया हुआ है। अगर वो हुकूमत कोई मुदाखलत करने वाली बात करे तो वो जो कर्ज का है वो ये कहेगा कि तुम कौन होते हो दरमियान में, एक तरफ हो जाओ, इसने हमसे कर्ज ले रखा है, हमारा और इसका मामला है, जब इसने कर्ज लिया था उस वक्त तुम कहां थे? हकीकत यह है कि इस मुल्क के वो जो जिन्हें रहनुमा कहना चाहिए सियासी रहनुमा, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि ये जिली हुकूमतें नहीं दर हकीकत ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं और इस तरीके से वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को खत्म कर चुके हैं। ये तो सिर्फ यूं कहना चाहिए कुछ चीजें हैं जो मंजरे आम पर, आम लोगों की जहनी सतह तक मंजरे आम पर आने में शायद एक साल या दो साल लग जाए, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। और इसके पीछे वही वो जो उनका यूं कहना चाहिए कि सरमाए को फैला लेने का अमल और फिर ये कि उसके साथ सूद, कि वो जो कर्ज है एक जगह ठहरा नहीं रहेगा बल्कि वो तो फलता फूलता चला जाएगा, तो उसके नतीजे में पहले विफाकी सतह पर आजादी सल्ब की, फिर उसके बाद जिली हुकूमतों की सूरत में और उसके साथ ही उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर एक आम आदमी के सर पर भी कर्जे जो है वो डाल दिए हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि मैक्रो लेवल पर या इज्तमाई सतह पर ये शिकंजा किस तरीके से जो है वो हमारे ऊपर फिट हुआ है और ग्लोबल लेवल पर ये शिकंजा जो है WTO की सूरत में किस तरीके से अब पूरी दुनिया पर फिट हो रहा है और वो जो इंटरनेशनल मनी मास्टर्स हैं उनकी एक खास अरेंजमेंट ये है कि जिन ममालिक में उनके मकासद जमहूरी हुकूमतों के जरिए से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे होते रहे वहां वो फौज को कभी टेक ओवर करने नहीं देते ताकि जमहूरियत की मुकद्दस गाय का तकद्दस जो है बरकरार रखा जा सके, इसे एक आला कदर के तौर पर बाकी रखा जाए, इसलिए कि है तो जमहूरियत भी बैंकर का खेल, इसे भी वो बचाकर रखना चाहता है। अलबत्ता जिन ममालिक में जमहूरी हुकूमतों के जरिए से उनके मन चाहे अंदाज में या उस रफ्तार में उनके मकासद पूरे नहीं होते वहां फिर वो इस जाबर कुव्वत को जिसे फौज कहते हैं उसे वो ले आते हैं और जमहूरी हुकूमतों को निकालकर एक तरफ कर देते हैं और फिर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ऐसे कवानीन बनवाकर अपने वो फौरी मकासद हासिल कर लेते हैं और उसके बाद एक दफा फिर जो है जमहूरियत को तो वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर से ईमान उठ जाए लोगों का, इसके जरिए से तो उन्होंने हमेशा इस्तेमाल करना है, चुनाचे फिर वो किसी ना किसी तरीके से जमहूरियत को वापस ले आते हैं। अब यही वो खेल है जो असल में खासतौर पर इस खत्ते में खेला जा रहा है और जितनी तेज रफ्तारी के साथ यहां खेला जा रहा है उसकी असल में कुछ वजूहात हैं, वो यहां तो अब डिस्कस नहीं की जा सकती, वक्त भी इतना नहीं, लेकिन यह कि सोचने वाले लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है जब वो इस चीज पर गौर करते हैं कि इस दुनिया में इस वक्त 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वो जिन जो मानस गंध पुकारता सारी दुनिया में फिर रहा है उसकी जान किस तोते में है। मैं अमरीकी हुकूमत के निजाम जर की बात करना चाहता हूं, इसे समझ लीजिए तो वर्ल्ड व्यू जो है आपका वो तब्दील हो जाएगा। अमरीकी हुकूमत के बारे में यह बात सुनकर अक्सर हजरात को हैरानी होगी कि अमरीकी हुकूमत एक डॉलर का नोट छापने का भी इख्तियार नहीं रखती। ये इख्तियार एक ऐसे इदारे के हाथ में है जिसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखा हुआ है कि टेक्निकली इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट।
सात मेंबरों पर जिन्हें गवर्नर्स कहा जाता है मुश्तमल एक बोर्ड है जिसे फेड कहा जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। इसके दो मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मुंतखब करता है, बाकी लोग जो हैं इसके वो दर हकीकत प्राइवेट बैंकर हैं। ये वो इदारा है जिसके हाथ में ये इख्तियार है कि वो जब चाहे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को वो ऑर्डर दे सकता है कि हमें इतने डॉलर छाप कर दे दो। ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अमेरिकन हुकूमत इस चीज का ऑर्डर नहीं दे सकती। अमेरिकन हुकूमत को जब रुपए की जरूरत पड़ती है, आई मीन डॉलर, तो वो कांग्रेस से मंजूरी लेकर बॉन्ड छापते हैं, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स, और हर सोमवार को ये बॉन्ड्स जो है ऑक्शन किए जाते हैं ताकि अमरीकी हुकूमत अपने अखराजात पूरे कर सके। इन बॉन्ड्स को कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन बॉन्ड्स को फेड खरीदता है, और जितने वो बॉन्ड खरीदना चाहता है उतने डॉलर प्रिंट करने का ऑर्डर जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दे देता है। वो डॉलर फेड को मिल जाते हैं, फेड उनके इवज वो बॉन्ड खरीदता है। बॉन्ड आप जानते हैं क्या होता है, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जो है ये असल में एक कर्जा है, हुकूमत कर्ज लेती है। बॉन्ड फेड के पास आ जाते हैं, रुपया जो है अमेरिकन हुकूमत के नाम पर बैंक में जमा हो जाता है, और जिस बैंक में वो रुपया जमा होता है, फर्ज कीजिए वो $1 बिलियन जमा हुआ है, तो वही फ्रैक्शनल रिजर्व जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि बैंकारी का एक मजबूत सतून वो भी है, वो $1 अरब वहां जाते ही $10 अरब में तब्दील हो जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मुकम्मल और जाबराना तसल्लुत है डॉलर के ऊपर फेड का, और इस तरीके से डॉलर की मकदार को हर आन और हर लम्हा फेड या फेड का चेयरमैन, ये फेड का चेयरमैन जो है ये 4 साल की मुद्दत के लिए होता है, और इसके जो गवर्नर्स हैं इनमें से हर गवर्नर 14 साल की मुद्दत के लिए होता है, और चेयरमैन का जो ये अपॉइंटमेंट है ये इस तरीके से होता है कि एक सदर के 2 साल जो हैं और अगले सदर के 2 साल वो कवर होते हैं फेड के चेयरमैन की एक सदारत में, यानी वो हर तरफ वो इंटरवेंशन कर सकता है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कुव्वत जिसे इस वक्त दुनिया में सोल सुप्रीम पावर समझा जा रहा है वो मोहताज किसकी है, वो इन प्राइवेट बैंकरों की मोहताज है। और इस फेड में 2 यहूदी बैंक चेज मैनहट्टन और सिटी बैंक के अक्सरियती वोट हैं। अब यहां से जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात की तरफ कि जंग वो चीज है जिसमें इतनी रफ्तार से पैसा खर्च होता है कि किसी और प्रोजेक्ट में नहीं होता। तो जंग लड़ने से पहले हर हुकूमत जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से यह जरूर पूछती है कि हमारे फाइनेंस की सूरत हाल क्या है, कितने दिन हम लड़ सकते हैं, ये जंग हमने करनी है, हमें कितने अखराजात जो दरकार हैं वो कहां से आएंगे। इसके बगैर कोई हुकूमत जंग लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो अब जरा सोचिए कि जो हालिया जंगें हुई हैं, अफगानिस्तान पर जो चढ़ाई हुई, इराक पर जो चढ़ाई हुई, और शायद किसी और की बारी भी अब आने वाली है, तो उनके लिए सरमाया कहां से आ रहा है? क्या यह मुमकिन है कि फेड यह चाहे कि यह जंगें ना हो और उसके बावजूद अमरीकन हुकूमत यह जंगें लड़ ले? खरबों डॉलर का जो है बजट वो दरकार होता है इसके लिए। तो क्या दूसरे लफ्जों में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जंगें दर हकीकत फेड ने करवाई हैं? 9/11 का जो वाकया हुआ था उससे 6 या 8 महीने पहले से अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली आ रही है। आज इस बात को 4 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है। पिछले 1.5 साल में डॉलर की कीमत इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में 30% से ज्यादा गिर चुकी है। सूद का रेट गिरते गिरते 0 और 1% के दरमियान आ गया है अमेरिका में। अब इस सूरत हाल में होना तो यह चाहिए कि फेड जो है वो डॉलर की सप्लाई को महदूद कर दे ताकि डॉलर को सहारा मिल सके, जो पहले ही बेकीमत होता चला जा रहा है उसे सहारा मिल सके। लेकिन फेड क्या कर रहा है, इन जंगों के जरिए से वो सप्लाई ऑफ डॉलर को और बढ़ा रहा है, इसमें और इजाफा करता चला जा रहा है। रिसेशन जो है 4 साल से खत्म होने में नहीं आ रही, और फिर एन इस मौके पर चाइना से कंज्यूमर गुड्स का एक सैलाब है जिसने अमरीका का और कैनेडा का और यूरोपियन मार्केट का रुख कर लिया है।
क्या यह महज इत्तेफाक है? यह यकीनन इत्तेफाक नहीं है। आज से 12 साल पहले या 13 साल पहले यहूदी चाइना में 350 या 400 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी उस वक्त कर चुके थे, और उसके बाद ये जितनी भी मल्टीनेशनल्स जर्मनी और जापान और दूसरे यूरोपियन ममालिक से उठकर चाइना में चली गई हैं, उनके पीछे सरमाया किसका है? यह कारपोरेटाइजेशन का नकाब जो है, इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो बहुत सी और भी हकीकतें खुल जाती हैं। यह सारी अरेंजमेंट पहले से करके रखी गई थी। अब यहूदी असल में अपने मकासद के लिए, अगर उनके प्रोटोकॉल्स पढ़े जाएं तो साफ पता चलता है कि वो अपने मकासद में तकरीबन 98 या 99% कामयाब हो चुके हैं, और इस वक्त जो वो कर रहे हैं वो ये है कि अब उनके मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वीटो की पावर उसके पास, और वार मशीन उसकी सबसे ज्यादा इक्विप्ड और लेटेस्ट, वही उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। इसलिए महसूस यूं होता है कि अब उसके कदमों के नीचे से जमीन खींच लेने का फैसला उन्होंने कर लिया है, और यह सारी अरेंजमेंट जो है कि अब रिसेशन से उसे निकलने नहीं दिया जाएगा, यह सारी अरेंजमेंट पहले से की जा चुकी थी। अगर दुनिया की यह कुव्वत, जिसे हम सोल सुप्रीम पावर आजकल समझ रहे हैं और जो सारी दुनिया में दंडनाती फिर रही है, अगर उसकी कुव्वत जो है वो कुछ बैंकरों के हाथ में है, तो फिर बाकी तमाम दुनिया जो है उसके बारे में आप खुद अंदाजा कर लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। ये बैंक जो हैं, इनके जो मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, इनके जरिए से महसूस कुछ यूं होता है कि शायद ये कौमी इदारे हैं, हकीकत ये नहीं है। ये 15वीं सदी में गालिबन या 16वीं सदी के आगाज में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना है तो ये बिल्कुल प्राइवेट बैंक था। यहां मैं चाहता हूं थोड़ी सी वजाहत इस बात की कर दूं कि ये फेड जो है, जिसके पास ये इख्तियार है कि डॉलर वो छाप सकता है, ये प्राइवेट बैंकर्स के पास ये इख्तियार आया कहां से? हुकूमत ने ये इख्तियार क्यों दे दिया इन्हें? तो सूरत हाल असल में ये है, 11वीं और 12वीं सदी के करीब ये जो सराफ होते थे, सुनार, इनकी साख इतनी अच्छी थी कि लोग अपना सोना अमानतन इनके पास रखवा दिया करते थे, और ये सराफ उस सोने के बदले एक रसीद जो होती थी उसको मालिक को वो जारी कर देते। वो मालिक जब चाहता आकर वो रसीद दिखाता और अपना सोना ले लेता। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन सराफों ने नोट ये किया कि अक्सर लोग कई कई साल अपना सोना लेने के लिए वापस नहीं आते। हो क्या रहा था कि लोगों ने सुनारों की उन रसीदों को इस्तेमाल करते हुए कारोबार और तिजारत जो थी उसमें आसानी पैदा कर ली। कौन सोना उठाकर लाए और ले जाए, इन रसीदों के जरिए से कारोबार शुरू हो गया। जब इन सुनारों ने, जिन्हें मनी चेंजर्स भी कहा जाता है, यह बात देखी तो इन्होंने जो सोना इनके पास होता था, जो कई कई साल इसे क्लेम नहीं किया जाता था, उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को सूद पर देना शुरू कर दिया। फिर कुछ और वक्त गुजरा तो इनके हिर्स और लालच ने उन्हें एक और रास्ता सुझाया। वो ये कि फर्ज कीजिए एक साहब ने 1 किलो सोना एक सुनार के पास रखा है और उससे एक रसीद ले ली है 1 किलो सोने की, तो साहब का तजर्बे ने सुनार को यह बात बताई कि ये तो पता नहीं कितने साल इतने सारे लोग जिन्होंने मेरे पास सोना रखा लेने नहीं आएंगे। तो उसने क्या किया कि एक रसीद तो सोने के असल मालिक को जारी की और उसके अलावा 8-10 रसीदें मुख्तलिफ लोगों को सूद पर जारी कर दी। वो असल में जाली रसीदें थी। फिर ये सिलसिला फैलता चला गया, जिसकी जितनी साख थी उसने उसी एतबार से वो रसीदें छाप छाप कर चलानी शुरू कर दी। इसके बाद फिर हुकूमतों को जब यह फिक्र लाहक हुई कि यह तो निरा फ्रॉड है, इसका कुछ किया जाना चाहिए, तो फिर इन मनी चेंजर्स और अमरीका की हुकूमत के दरमियान यूं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा टसल हुई है, बड़ी कशमकश हुई है। और ये जो लिंकन को कत्ल करवाया गया, जैक्सन को कत्ल करवाया गया, इसके बारे में शवाहिद दस्तियाब है कि असल में इन कातलों को फिनांस करने वाले बैंकर थे। और लिंकन के जमाने में तो यह बात बहुत ज्यादा, वो जो जंग हुई उस जमाने में, लिंकन के पास अपने सिपाहियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने जब मनी चेंजर से राबता किया तो उन्होंने गालबन 36% सूद का मुतालबा किया। इस पर लिंकन ने फिर अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा तुम कांग्रेस से कहो, अगर बांड छाप सकती है कांग्रेस तो वो ये क्यों नहीं कर सकती कि डॉलर का बिल छापे वो। उसने कहा क्या वो चल जाएगा मेरा छापा हुआ वो जो डॉलर का नोट है? तो उसके दोस्त, उसका नाम डिक था, गालबन कर्नल डिक, उसने कहा हाँ क्यों नहीं चलेगा,
हुकूमत जो उसके पीछे है। तो लिंकन ने यही किया, वो करेंसी जो उस वक्त छापी गई थी उसका नाम जो था बाद में ग्रीन बैक डॉलर्स वो पड़ गया, और उसको इन मनी चेंजरों ने फिर इस तरीके से फेल किया कि उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि सूद की अदायगी के लिए वो कर्जे जो हुकूमत ने या दूसरे लोगों ने पहले से ले रखे हैं, और इसी तरीके से इंपोर्ट्स की अदायगी में उसके ऊपर 180% सरचार्ज लगाया जाएगा। इस तरीके से फिर उन्होंने इस हुकूमत को मजबूर कर लिया कि वो बैंक ऑफ अमेरिका उसके क्याम का ऐलान करे। हुकूमत भी चाहती थी कि बैंक बने, लेकिन हुकूमत यह नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर सारा इख्तियार बैंकरों का हो। चुनाचे फिर यह बैंक ऑफ अमेरिका जो बना है इसमें हुकूमत के भी कुछ शेयर्स थे, लेकिन ज्यादातर शेयर्स प्राइवेट बैंकर्स के थे, और बैंकर उसके बाद जब तक यह फेड नहीं बना है पिछली सदी में, उस वक्त तक मुसलसल अमरीकी सदर जो थे उनके साथ इन मनी चेंजर्स की टसल जो है वो चलती रही। बिल आखिर फिर यह हुआ पिछली सदी में कि ये फेड का जो कानून था, ये बिल जो था, ये कांग्रेस ने पास कर दिया, और उसके बाद ये रुपया जारी करने का, करेंसी के इजरा का कंट्रोल जो था मुकम्मल तौर पर हुकूमत के जो शेयर्स थे इसमें से वो खत्म हो गए, और ये फिर इन प्राइवेट बैंकर्स के पास आ गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में असल में खेल क्या खेला जा रहा है, कौन है जो इस दुनिया के हकीकी आका बने हुए हैं, वो कौन है जिन्होंने इस कुर्रा अर्ज पर रहने वाले इंसानों को अल्लाह ताला की रबूबियत, उसकी अलूहियत और उसकी हाकमियत से निकालकर अपनी रबूबियत और अपनी हाकमियत में जकड़ लिया, किस तरीके से कदरें तब्दील कर दी गई हैं, किस तरीके से जहन बदल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, इनको खरीद लेना तो बात ही कोई नहीं, जब हुकूमतें और फौज और बादशाहत जो है उसको इस मैनिपुलेशन के जरिए से अपने शिकंजे में जकड़ा जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया ये तो किस खेत की मूली है। ये वो हकायक हैं, जब आप इन्हें खोजने के लिए निकलेंगे थोड़ी सी मेहनत से तो बहुत सी और भी बातें आपके इल्म में आएंगी, लेकिन ये वो बातें हैं जो इस मगरबी निजामे मईशत और बैंकारी के तहत जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे चल रहे हैं उनमें ये बातें कहीं पढ़ाई नहीं जाती। और अगर कोई बात जो है कोई ऐसा आदमी करे जो बाहर से क्रिटिकल के तौर पर, तनकीद के तौर पर कोई जो है नुकता नुमायां करे, तो उस शख्स की लिखी हुई किताबों को ही मार्केट से गायब कर दिया जाता। यहां चूंकि तारीखी तनाजर की बात भी हुई है तो इस जिमन में ये आर्थर किट्सन, ये एक इंजीनियर था इंग्लैंड का, और ये बाद में गालबन अमेरिका चला गया, ये 1894 में इस शख्स ने ये किताब लिखी थी द बैंकर्स कॉन्स्पिरेसी, और उसमें उसने तफसील से इस चीज का जायजा लिया था कि ये बैंकर दुनिया में क्या कर रहे हैं। और उस शख्स ने उस वक्त पहली जंगे अजीम और 1930 की वो जो ग्रेट डिप्रेशन आई है उसकी प्रिडिक्शन उसने कर दी थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि माशियात की किताबों में कहीं इस शख्स का तذکرہ नहीं मिलेगा, बल्कि शायद ये किताब भी आपको ढूंढना पड़े तो आसानी से ना मिले, इसलिए कि वो बैंकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जो इल्यूजंस उन्होंने क्रिएट कर रखी हैं इन दर्सी किताबों में, उन इल्यूजंस को कोई पहचान ना ले, उस फरेब नजर से कोई आजाद ना हो जाए। चुनाचे इस किस्म की किताबों को, इस किस्म के तजजियों को वो खसूसी इंतजाम के तहत मार्केट से गायब कर देते हैं। आर्थर किट्सन ने उस वक्त 1894 में जो बात लिखी थी, ये एक पैरा मैं चाहता हूं तारीखी तनाजर के हवाले से चंद लाइनें हैं ये पढ़ दूं। किट्सन ने लिखा ये है कि अंटिल द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी, ये 1894 में, यूं समझ लीजिए कि ये बात उसने लिखी है, अंटिल द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी द ओनली नोन मैथड ऑफ कंकरिंग द वर्ल्ड वॉज बाई मिलिट्री इन्वेजन्स, a very dangerous, expensive and cruel system, but during the last half century it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method no armies or navies or munitions of war are required, no blood be shed, and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control
of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists. And this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجئے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے 1894 میں اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ریپرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ریپرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے اور کس قوت کی بنیاد پر یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فنانس کی وجہ سے اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے ریزرو کی شرح گرا دینے سے اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا وہ سٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فنانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کر لیں گھر خرید لیں فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں اور کنزیومر فنانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے محض مفروضہ نہیں ہے یہ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈز تھما دیے ہیں جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے اپنی کرنسی اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے اور اسے کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا وہ ساری ارینجمنٹس تقریباً مکمل کر چکے ہیں یہ اصل میں جو بات تھی ابھی بہت آگے چل سکتی ہے لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے انہوں نے کوئی 65 صدی قبل یہ بات کہی تھی بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا تا تہو بالا نہ گردد ای نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام
दानिश और तहजीब के साथ उन्होंने दीन को भी ब्रैकेट कर दिया है सौदाए खाम के तौर पर, तो क्या यह सिर्फ एक शेरी मुबालगा आ रही है या ये कि यह मनी और बैंकिंग और इक्तिसादियात जो है यह असल में एक पेचीदा साइंस की सूरत इख्तियार कर गई है। इसलिए हमारे वो मुफक्किरीन और दानिश्वर और वो रहनुमा जो हैं उनकी नजर यहां तक नहीं आ सकी कि यह दानिश और तहजीब के साथ साथ इकबाल ने जो दीन को भी सौदाए खाम करार दिया कि यह भी इंसानियत के मसाइल हल नहीं कर सकेगा जब तक इस मोर्चे को सबसे पहले तोड़ फोड़ कर बर्बाद ना किया गया, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए, वरना वो हमारी सारी मसाई जो है इस जमन में कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते बड़े खलूस और अखलास के साथ अंधेरे में तीर चलाते चले जाने पर ही वो मुंतज हो जाए। मैं आप हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सब्र के साथ आपने और बहुत तवज्जो के साथ ये सारी बात सुनी है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं कि हमें वो बसीरत अल्लाह ताला अता फरमा दें जिसके जरिए से दीन का गलबा इसके लिए जद्दोजहद करने वाले और इसका ख्वाब देखने वाले लोग जो हैं उस बसीरत की रोशनी में अपना आइंदा सफर जो है वो तय कर सके। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ताहिर अब्रार साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत ही उम्दगी के साथ जामियत के साथ इस सूदी निज़ाम की हलाकत खेजी को हम पर वाज़े किया है। यहाँ ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि हो सकता है बाज़ लोग यहाँ बैठे हैं उनका ताल्लुक बैंकिंग के शोबे से है, उन्हें ये एहसास हो कि ये पिक्चर की एक साइड है जो नामुकम्मल है, लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ भी बयान किया है उसके बारे में ये जान लीजिए कि जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर एक चमक दमक नज़र आती है और इंडस्ट्री और इस किस्म की चीज़ों में जो बैंकिंग का एक फ़ायदा नज़र आता है वो एक फ़ायदा है, उसका एक जो है जुज़वी पहलू है, लेकिन जिस किस्म की जकड़बंदी में बिल आखिर जो है हमें जकड़ दिया जाता है और ये निज़ाम जिस तरीके से जो है छा जाता है और एक जो है पूरा कंट्रोल करने का जो निज़ाम कायम हो जाता है, उसके हवाले से उनका ये जो भी बयान है और उन्होंने जो भी इतनी वजाहत से बात रखी है उसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि आज हमारी सूरत हाल बावजूद इसके कि हम बहुत से हवालों से इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद हाल ये है कि खुद मुक्तफी नहीं है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है एक गुर्बत का एहसास लोगों के अंदर और एक बेचैनी का एहसास जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो बहरहाल ये दोनों बातें जो है अपनी जगह हैं, इन्होंने जो बात वजाहत की है जिसकी वो एक हकीकत है और उसके लिए जाहिर सी बात है छोटा सा फ़ायदा या थोड़ा फ़ायदा उसके सामने जो है वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। अब मैं आज के दूसरे मुकर्रर को दावत देता हूँ। हमारे दूसरे मुकर्रर हैं प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, इनका ताल्लुक यहीं लाहौर से है, इन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और उसके बाद अब इस वक्त ये PhD कैंडिडेट भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। इकनॉमिक्स पे इनकी कई जो हैं वो किताबें छप चुकी हैं। MA का जो निसाब है इकनॉमिक्स का उसमें इस्लामियात का जो इस्लामिक इकनॉमिक्स का जो निसाब है वो इन्हीं की किताब पर मुश्तमिल है, यही राइज है। इसके अलावा बहुत से मजामीन इन्होंने लिखे हैं। प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अकरम साहब का मौजू है सूद की हुरमत और अकसाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो अब चूंकि हमने सूद की जो है हलाकत खेजी का मामला समझ लिया, तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम ठहराया है अब उसे समझने की ज़रूरत है कि वो किन अल्फाज के साथ किस अंदाज से वो चीज़ हराम की गई है। तो अब मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अकरम साहब को, तशरीफ लाएं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रात ग्रामी, ये एक ऐसा मौका है जिस पे हम आज यहाँ पे जमा हैं कि सूद के हवाले से जो एक पेशरफ्त मुल्क में जारी थी उस पेशरफ्त के अंदर बहुत हद तक कमी आई और ये मौजू जो है पस मंज़र में चला गया, और अब इस मौके पे अंजुमन खुद्दामुल कुरान ने और मजलिस तहकीक ने जो ये अहतमाम किया है ये काबिले सद मुबारकबाद है, ताकि मामले को आम फहम भी किया जाए, लोगों तक पहुंचाया भी जाए और इसकी ग्रेविटी जो है उसके हवाले से लोगों को बताया भी जाए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इस मजलिस के नतीजे में आइंदा के लिए भी मज़ीद मजालिस की राहें खुलेंगी और इसके नतीजे में इंशाल्लाह अज़ीज़ ये लोगों के अंदर
मामले की ग्रेविटी जो है उसका एहसास भी पैदा होगा। और मैं समझता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि बात करने का, कि इस मौजू पे बहुत ही ज़्यादा आमा तुन्नास के अंदर बात करने की ज़रूरत है। लोग आम तौर पे उनको मालूम नहीं है कि सूरत हाल क्या है, कुरान हदीस की तालीमात क्या हैं और इसके नुकसानदेह असरात क्या हैं। तो इस तरह की मजालस जितनी भी ज़्यादा मुनक्कद की जाएँ उसकी ज़रूरत जो है भारत और अपनी जगह पर मौजूद है। आज का मेरा मौजू कुरान सुन्नत की रोशनी में सूद की हुरमत और सूद की अकसाम के ऊपर बात करना है। इस वक्त आपके सामने मैंने एक आयत कुरान पाक की सूरा निसा से आपके सामने मौजूद है। इसके हवाले से मैं बात का आगाज़ करूँगा। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सदकल्लाहु मौलाना लाजीम। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारे दरमियान तिजारत हो बाहमी रजामंदी से। और अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को कत्ल कर मत करो, अपने नफ्सों को कत्ल मत करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बहुत ही रहीम है, बहुत ही रहम फरमाने वाले हैं। हज़रात, कुरान पाक की ये आयत के बाहमी मामलात के अंदर और ख़ास तौर पे माली लेन देन के अंदर वो तमाम तरीके जो बातिल हैं उनसे तुम बाज आ जाओ। और ये अल्लाह पाक की तरफ से जो हुक्म है कि अगर इससे बाज नहीं आओगे तो नतीजा हलाकत की सूरत में निकलेगा। तुम अपने आप अपने नफ्सों को अपने आप को हलाकत में डाल लोगे। और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बहुत ही रहीम व करीम है कि तुम्हें ये हिदायत दे रहे हैं जिसके नतीजे में तुम अपने आप को हलाकत से बचा सकते हो। हलाकत में डालने वाली वो चीज़ें, वो मामलात जिनको बातिल करार दिया गया है, उनकी तफासील हम कुरान और हदीस के अंदर देख सकते हैं। उनमें उसकी तफसील के अंदर अगर जाएं तो उसमें वो तमाम तरीके जिनके ज़रिए माशरे के अंदर खराबियां पैदा होती हैं, माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ दगा, एक दूसरे के साथ धोखादही के मामलात हो सकते हैं, उन तमाम मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। और उसकी तफसील जो है कुरान पाक की आयात और अहादीस की रोशनी में देखी जा सकती है। ख़ास तौर पर किस्मुल मामलात और उसमें तिजारती हवाले से किस्मुल बियू और किताबुल बियू जो अहादीस की किताबों के अंदर हैं उनका अगर मुतालिया किया जाए तो वो तमाम बातें सामने आ जाती हैं। इन्हीं मामलात में से एक मामला जो है वो सूद का है, जिसके लिए कुरान रिबा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करता है। दो मामलात अगर कुरान पाक का मुतालिया आप करें माली मामलात के हवाले से, ऐसे हमें नज़र आते हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही सख्त गिरफ्त है। उसमें से एक मामला तो आप देखेंगे जो कि कुरान पाक की सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, ये एक मामला है। और दूसरा मामला सूद के बारे में, रिबा के बारे में, जिसका अभी हम मुतालिया करेंगे। सूरह तौबा की ये आयात 34 और 35 नंबर जो इस वक्त आपके सामने हैं, इनकी रोशनी में आप देखेंगे आगाज़ वही या अय्युहल्लज़ीना आमनू के, जहाँ पे भी मामलात मोमिनों से मुखातिब करके और अहकाम की सूरत में आते हैं अल्लाह ताला वहाँ से आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से करके। और हुक्म है जो इसमें दिया गया, ख़ास तौर पे जो जिस मामले के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ही सख्त अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त होगी, वह है इक्तनाज़ दौलत। वल्लज़ीन यक्नज़ून अज़्ज़हब वल्फिद्दत वला युन्फिकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और उसके बाद यौम युहमा अलैह फ़ी नारे जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम। ये जो इक्तनाज़ दौलत है, लेकिन इस मामले में आप देखिए कि इसका जो इसकी जो सज़ा है वो उखरवी सज़ा का तस्करा यहाँ पर किया गया है। यौम युहमा अलैह फ़ी नारे जहन्नम के उस सोने और चांदी को जो जमा करके रखा गया था, वो क़्यामत के रोज़ उसको तपाया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा उस आग के अंदर, जहन्नम की आग के अंदर। और उसके नतीजे में पेशानियों को और पहलुओं को और पीठों को दागा जाएगा और बताया जाएगा यह है वो तुम्हारा माल, यह है वो तुम्हारा सोना और चांदी जो तुम जमा करके रखते थे। तो गोया ये इक्तनाज़ दौलत और दौलत को कंज बना के रखना, ये वो मामला है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त है। लेकिन यहाँ पर उखरवी सज़ा का तस्करा है। जबकि जब हम बात करते हैं सूद की, रिबा की, तो इसके मामले में अभी आने वाली आयात के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर इसी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो सज़ा का जिक्र जो है वो आपको मिलेगा कि अगर तुम बाज नहीं होगे फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। तो गोया ये मामला ऐसा है कि जिसके अंदर
माली मामलात हैं, बाहमी मामलात हैं, और इसी दुनिया के अंदर सजा का तस्करा अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। इन आयात का अगर हम जायजा लें तो सूरह रूम वो पहली सूरह है जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक सूद के हवाले से नाजिल हुआ और उससे नफरत दिलाई गई, जिसके अंदर आप अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबू फी अमवाली नास फला यरबू इंदल्ला। ये जो तुम सूद वगैरह का मामला करते हो इसलिए तुम्हारा माल बढ़ेगा, अल्लाह के यहाँ तो इसमें इजाफा नहीं होता, जिसे तुम बज़ाहिर समझते हो कि इसके नतीजे में तुम्हारे माल के अंदर इजाफा होगा, अल्लाह के यहाँ इसमें इजाफा नहीं होता, लेकिन इसके मुकाबले में वमा आतैतुम मिन ज़कात इन तुरीदून लवजहिल्ला, और ये जो तुम तुरीदून वजहल्ला जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए, उसका नतीजा क्या है? मुदयफून, वो है इजाफा जिसके अंदर होता है। तो गोया जो तुम ये समझते हो कि तुमने किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज के ऊपर तुमने माल कमा लिया और तुम्हारा ये माल बढ़ गया, तो बज़ाहिर जिसे तुम बढ़ता हुआ समझते हो अल्लाह की नज़र में नहीं बढ़ता वो, और जो कुछ तुम देते हो ज़कात की सूरत में अल्लाह की राह में खर्च करते हो, जो बज़ाहिर तुम्हें घटता हुआ नज़र आता है, हकीकत यह है कि वो अल्लाह की नज़र के अंदर नहीं घटता, अल्लाह के यहाँ उसके अंदर इजाफा है और उसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो इजाफा फरमाते हैं, बरकत अता फरमाते हैं। तो गोया ये पहली आयत है जो कुरान पाक की मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई सूरह रूम के अंदर ये आयत मौजूद है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और इसके अंदर जो है वो नफरत दिलाई गई सूद से और ज़कात और अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से आया। और उसके बाद सूरह आले इमरान को देखिए, सूरह आले इमरान की आयत, या अय्युहल लजीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफन मुदाफा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो मत खाओ चढ़ता बढ़ता सूद, ये जो तुम चढ़ता बढ़ता इजाफा होता हुआ मल्टीप्लाइड जो सूद खाते हो ये मत खाओ, और वत्तकुल्लाह और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पा सको। तो गोया अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, इस दुनिया के अंदर कामयाबी तुम चाहते हो और उखरवी कामयाबी तुम्हारा मत में नजर है, तो फिर तुम्हें इस मामले से बाज आना पड़ेगा। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो इस मामले में, ये जो तुम मामला करते हो जिससे जिसके जरिए तुम माल दौलत को हासिल करने के लिए मामला करते हो, गोया इससे तुम बाज आ जाओ। और उसके बाद अगली आयत आप देखिए, ये सूरह रूम के बाद सूरह तौबा की, ये मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, सूरह निसा की इस आयत का आप देखिए 176 नंबर आयत है, जिसके में अल्लाह ताला ने यहूदियों के हवाले से खास तौर पे और उनकी जो उनके जराइम के जो कुरान पाक के अंदर तस्करा किया है, वह अख़ज़हुम रिबा, कि वो उनका सूद लेना ये उनका ऐसा जुर्म है जिसको कुरान पाक के अंदर जो है वो बयान किया गया, और उनके जराइम की फहरिस्त के अंदर ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो इस आयत के अंदर आपको मिलेगा। और उसके बाद आप देखिए सूरह बकरा आ जाती है, और ये सूरह अल बकरा वो सूरह है जिसकी तिलावत अभी आपने प्रोग्राम के आगाज के अंदर सुनी उन आयात की, 275 नंबर आयत से लेके 281 नंबर आयत, और ये इनमें से पांच आयात आप चार आयात ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो रिबा के साथ है। अगर हम कुरान पाक का मुतालिया करें और उसका जायजा लें आयात का जो इस हवाले से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, तो मुफ्ती शफी साहब के मुताबिक उन्होंने सात आयात को इसके अंदर शुमार किया है, लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड दूसरी आयात को भी शामिल कर लें उसमें तादाद में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, तो उन आयात में से ये आयात बड़ी अहम है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपके दुनिया से विसाल फरमाने से पहले आखिरी जो अयाम थे उससे पहले ये आयात जो है वो नाजिल हुई हैं, और इनका जो मजमून है और इसका मौजू जो है ये बहुत ही काबिल तवज्जो है, और इन आयात के ऊपर लफ्ज बलफ्ज जो है वो गौर करने की ज़रूरत है हर उस फर्द के लिए जो अपने आप को बचाना चाहता है उन तमाम मामलात से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अंदर की नज़र के अंदर जो है वो बहुत ही काबिल गिरफ्त थे। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, वो नहीं खड़े होंगे क़यामत के रोज़ मगर इस सूरत में कि जैसे किसी जिन ने किसी शैतान ने उनको छूकर पागल कर दिया हो, जैसे वो मजनू हो गए हों, मजनू जैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हों, यह कैफियत उनकी होगी क़यामत के रोज़। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, उनका जुर्म क्या है, किस जुर्म की पादाश में ऐसा होगा, वो कहते हैं कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, कि तिजारत जो है इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, तिजारत जो है वो रिबा की तरह है, गोया तिजारत और रिबा के अंदर कोई फर्क नहीं है।
ये वो मुगालता है जो आज से 1400 साल पहले भी मौजूद था, और हमारे इसी लाहौर के अंदर एक हमारे सियासी रहनुमा भी वो शुमार होते हैं और एक राइटर हैं जो अखबारात में लिखा करते थे। आज 1400 साल के बाद उन्होंने वही बात लिखी जो 1400 साल पहले लोग कहा करते थे, और हमारे कई इस तरह के मुफक्रीन जो हैं वो यही बात आज भी कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है तिजारत में और बै में, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये जो वर्डिक्ट है अल्लाह पाक की तरफ से, जो हुक्म है वो ये है कि वा अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया। तिजारत जिसे तिजारत कहा जाता है, कमोडिटी जो है वो सेल होती है और उसको उसकी आप प्राइस पे करते हैं, वो मामला जो है अल्लाह ताला ने उसको जायज करार दिया है, उसको हलाल किया है। वा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और रिबा का जो मामला है इसको अल्लाह ताला ने हराम किया है, रिबा को हराम फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह पाक के इरशाद के ऊपर गौर कीजिए, फमन जाओ मोइज़ा तुम रब्बी, जिसके पास आ गई नसीहत उसके रब की तरफ से। इससे पहले तो हमें मालूम नहीं था, आज मेरे जितने भी ऑडियंस इस वक्त मौजूद है इन सब के अगर इनमें से किसी के इल्म में नहीं था, आज उनके इल्म के अंदर ये बात आ गई, फमन जाओ मोइज़ा तुम रब्बी, जिसके पास आ गई उसके रब की तरफ से नसीहत, फन तहा व रुक गया, फलाहु मसलफ सलफ, जो हो चुका सो हो चुका, जो इससे पहले मामला हो चुका, फलाहु मसलफ व अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला है अल्लाह के पास। तो गोया अल्लाह ताला उसके बारे में जो भी फैसला फरमाए, और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे, व अमरुहु इलल्लाह, लेकिन वमन आदा, लेकिन जो फिर उसको दोहराएगा, फिर वही काम करेगा जिससे मना किया जा रहा है, वमन आदा फौलाएका साबुन नार, तो जान लो कि वो हैं जहन्नमी, वह हैं आग वाले, आग के साथी, वसाबुन नार फौलाएका साबुन नार हम फीह खालिदुन, जिसमें रहेंगे वो हमेशा हमेश। ये है 275 नंबर आयत सूरह अल बकरा की, जिसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल वाजे तौर पे वर्डिक्ट आ गया कि इस मामले से बाज आ जाओ। और ये जो तुम समझते हो ना कि तिजारत और सूद जो है दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसके ये अल्लाह ताला ने जो फर्क रखा है और उसके नतीजे में जो तुम मुनाफा कमाते हो, मुनाफा अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, लेकिन जो तुम सूद खाते हो कर्ज के मामलात के अंदर या दीगर मामलात के अंदर जिनका भी तस्करा आएगा, उन चीजों से अगर बाज ना आए तो फिर अंजाम देख लो, ये अंजाम है हमारी तरफ से। और इसके बाद आइए अगली आयत के ऊपर, ये 276 नंबर आयत है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। वही बात जो पहले कही गई थी कि सूद का अंजाम जो है बहरहाल कमी की सूरत में है, अल्लाह ताला खात्मा फरमाते हैं, यमहक उसके अंदर कमी लाते हैं, मट मारते हैं उसका जो तुम सूद की सूरत में जो मामला करते हो, यमहकुल्लाहु रिबा। लेकिन इसके मुकाबले में वही बात जो पहले हम पढ़ा है ज़कात के हवाले से, व युरबिस सदकात, ये लफ्ज भी वही रबा युरबी से है, लेकिन यहाँ पे युरबिस सदकात अल्लाह ताला इजाफा फरमाते हैं इस मामले में, जो सदकात तुम देते हो अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह के यहाँ उसका मामला ये है कि उसके अंदर इजाफा होता है, जो बज़ाहिर तुम्हें बढ़ता नजर आता है, तुम्हें इजाफा नजर आता है, हकीकत है कि अल्लाह की नज़र में नहीं बढ़ता, और जो तुम सदकात बज़ाहिर कम होते तुम्हें नजर आते हैं, अल्लाह की निगाह के अंदर ये बढ़ते हैं और अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, कुल्ला कफ्फारिन अथीम, जो नाशुक्रे लोग हैं, जो कफ्फार हैं, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाले हैं और गुनाहों के अंदर मुलव्वस रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मोहब्बत ऐसे लोगों से नहीं करते। इसलिए तुम्हारा मामला वो नहीं होना चाहिए कि जो ऐसे लोगों का मामला है। और उसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात, अब इस आयत का बराह रास्त ताल्लुक उस तरह से रिबा से तो नहीं है, लेकिन ये कि इसके साथ उसकी वजाहत भी कर दी गई कि इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, व अकामुस्सला, जिन्होंने नमाज कायम की, व आतउज़्ज़का, और ज़कात अदा करते रहे, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर जो उनके रब के पास है, अल्लाह के यहाँ उनका अजर जो है महफूज है, वला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून, ना उनके लिए कोई खौफ का मकाम है ना हुजन की कोई बात है। खौफ होता है आने वाले मामलात के लिए और हुजन होता है गुजरे हुए चीज़ों के लिए, ना आने वाले वक्त का कोई खौफ उनके पेश नज़र होगा कि आने वाला वक्त जो है न जाने क्या बनेगा, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो क्या अंजाम होगा। ला खौफुन वलाहुम यहज़नून, माजी में जो कुछ हो चुका उसका कोई अफसोस, कोई ऐसा उनको रंज नहीं होगा कि हम अगर ऐसा और ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा आज की यह कैफियत ना होती। ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून, ये उन लोगों के अल्लाह की तरफ से वादा है जो ऐसा करने वाले हैं। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अब मोमिनों को एक दफा फिर मुतवज्जो किया जा रहा है जो दावा करते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो,
अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वाज़रू मा बकिया मिन अर-रिबा, और छोड़ दो जो तुम्हारा बाकी रह गया है रिबा की सूरत में लोगों के जिम्मे, वाज़रू मा बकिया मिन अर-रिबा, जो रिबा तुम्हारा लोगों के जिम्मे रह गया छोड़ दो उसको, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, अगर तुम दावा करते हो कि तुम ईमान लाने वाले हो, तुम्हारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात के ऊपर ईमान है, इस कुरान के ऊपर ईमान है, तो फिर तुम्हारा मामला जो ये होना चाहिए कि आज से तौबा कर लो, जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन आज के बाद ऐसा मामला नहीं। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, और फरमाया फैलम तफालू, अब जरा गौर करो, सोचो, तुम्हें ये बात कही जा रही है कि ईमान लाने वालों बाज आ जाओ इससे, लेकिन फैलम तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम बाज नहीं आओगे इस मामले से, फिर सुन लो, फैलम तफालू फाजनु बिहर्बी मिनल्लाह व रसूलिही, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। अब वो मामला खत्म हो गया कि मालूम नहीं था, हम जानते नहीं थे, अब तो बात बिल्कुल वाजे हो के निखर के सामने आ गई कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है, कुरान क्या कहता है, कुरान का हुक्म क्या है, बिल्कुल बात वाजे आपके सामने आ गई, खुल के आ गई, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई उसमें शको शुबा नहीं है कि जो भी मामला रिबा का है उससे बाज आ जाओ। अगर ऐसा कर लोगे तो फिर वह इन तुम फलकुम रऊसुम वालेकुम, अगर तुमने तौबा कर लिया आज से पहले जो कुछ हो चुका, आज आपके सामने आ गया मामला, मैंने कहा, आपने कहा, वादा कर लिया और फैसला कर लिया कि आज के बाद रब्बी मामलात में नहीं आएंगे, रिबा का लेन देन नहीं करेंगे, तो वह इन तुम अगर तुमने तौबा कर ली, फलकुम रऊसुम वालेकुम, फिर अपना रासुल माल तुम ले सकते हो, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन जो सूद है वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जो रासुल माल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट तुमने दी थी, ठीक है, वो तुम हासिल कर सकते हो। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना जुल्म करो ना जुल्म तुम्हारे ऊपर किया जाए, ये है वो बुनियाद जिसको, जो इस सारे मामले के पीछे है। इस्लाम ना जरर कर चाहता है ना जरार चाहता है, ला जरारा वला जरारा फिल इस्लाम, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। गोया ये रिबा का मामला, ये सूद का लेन देन, ये सूदी मामलात, ये एक जुल्म का निज़ाम है, ये एक जुल्म का निज़ाम है, और जुल्म जो है कुरान वो अदल के मुकाबले में इस लफ्ज़ को लाता है। अदल ये है कि जो जिसका हक है वो उसको दिया जाए, जो जिसका मकाम है उस मकाम के ऊपर उसको रखा जाए, अगर किस जिस चीज़ का जो मकाम है वो मकाम से हटा दी जाए तो ये जुल्म है, जो जिसका हक है उस हक से उसको नाहक कर दिया जाए तो ये जुल्म है। और कुरान कहता है कि ला तज़लिमूना वला, ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, इसलिए कि जुल्म के ऊपर मबनी निज़ाम है। और उसकी कैफियत अभी आपके सामने फाजिल मुकर्रर जो है बयान कर रहे थे कि किस तरीके से ये एक शिकंजा है जिसके अंदर इंसान जो है एक जुल्म के निज़ाम के अंदर जो है पिसता है, और इसकी जो वो शक्लें जो इंफरादी सूद की सूरत में हमारे बड़े सगीर के अंदर मौजूद रहीं, और इज्तमाही तौर पर जैसे मैक्रो लेवल पर अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान की कैफियत हमारे सामने है, दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज खास तौर पे उनकी हम बात करें तो उनकी कैफियत हमारे सामने है। ये एक जुल्म का निज़ाम है जिसने पूरे निज़ाम मईशत को अपने शिकंजे के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है। इसलिए कुरान इस चीज़ का कोई इंतहाई जो है वो मामला इसके साथ करता है कि अगर ये ऐसा तुम नहीं करोगे फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। और ये हकीकत है, अगर हम जायज़ा ले लें इंसानी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, मैं इसके शवाहिद जो है बयान किया करता हूँ, मेरे पास इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि इस जुल्म के निज़ाम में जब हम मुलव्वस हुए, जब हमने इसको इख्तियार किया, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की मईशत जो है मुसलसल जो है पीछे की तरफ आई है, और उसके अंदर मुसलसल जो है कमी की सूरत जो है हमें पेश आई है, और हमारे बजट का वो हिस्सा, बड़ा हिस्सा, वो इसी सूरत के अंदर सूद की अदायगी के अंदर जो है मुसलसल चला जा रहा है। और ये वो जुल्म के निज़ाम के नतायज है। मैं इस वक्त चूँकि वक्त नहीं है, वरना वो मैं आपको बताता, इससे पहले आपके सामने वो बात आ चुकी कि बजट में से आपका बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के बजट का है, जो शुरू में अगर आज से 15 साल पहले की बात की जाए, 20 साल पहले की बात की जाए, तो शायद वो 25-30 अरब रुपए के करीब था, और पिछले सालों के अंदर वो 297 अरब से भी बढ़ के आगे 304 अरब और 340 अरब तक पहुंचता रहा, और जो बजट के अंदर रकम रखी जाती थी हकीकत में वो बजट से भी बढ़ जाया करती थी। और ये वो मामला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है हम बजट रखते रहे हैं। हमारा दिफा का बजट इतना नहीं बढ़ा, उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से ये बजट जो है बढ़ता चला गया है, और पाकिस्तानी कौम जो है इसके अंदर शिकंजे के अंदर मुसलसल पिसती रही है। तो हजरात, ये कुरान पाक की वो चंद आयात, उनका खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया। ज़ाहिर है वक्त की कमी है, और इस पे मेरे सामने जो इस वक्त बुजुर्ग बैठे हुए इनके सामने ये सारी चीज़ें बयान करना बहरहाल मेरे लिए मुश्किल है। बहरहाल मैंने आपके सामने चंद एक इन आयात का एक खुलासा जो है वो पेश कर दिया है। अब आइए उन चंद एक हदीस की तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिनके बारे में इरशाद फरमाया और उसके अंदर देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में क्या फरमाते हैं। अन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, काला आपने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलुर रिबा व मौकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदैहि व कालहुम सवाउन। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि लानत फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार किस्म के लोगों पर, आकिलुर रिबा सूद खाने वाले पर, व मौकिलुहु और सूद खिलाने वाले पर, व कातिबुहु और उसकी किताबत करने वाले पे, जो भी उसका मामला लिखने वाला है शख्स है, व कातिबुहु, और चौथा जो है, जो चौथे में दो किस्म के अफराद, जो दो अफराद कम अज़ कम उसके अंदर शामिल होंगे, आम तौर पे जो किताबत का मामला और उसके ऊपर विटनेस होती है वो दो अफराद की गवाही होती है, व शाहिद है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर गवाही देने वाले दोनों अफराद पर। तो गोया चार किस्म के अफराद हैं, आकिल, मोकिल, कातिब और शाहिदैन। तो गोया चार किस्म के लोग हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर लानत फरमाई, वकाला हम सवाउन, और फरमाया कि ये बराबर हैं अपने जुर्म के, ये जो जुर्म वो कर रहे हैं उसमें किसी का जुर्म किसी दूसरे से कम नहीं है, चाहे वो सूद खाने वाला है या खिलाने वाला, वो लिखने वाला है या उसके ऊपर गवाही देने वाला, ये चारों किस्म के लोग जो है इसके अंदर, इस गुनाह के अंदर जो है बराबर के मुलव्वस हैं और कोई भी किसी दूसरे से कम नहीं है। इसके बाद अन अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका लकब है गसीलुल मलाइका, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गसीलुल मलाइका का लकब दिया, काला वो फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिरहमुन रिबन याकुलहुर रजुलु वहु यालम, सूद का रिबा का एक दिरहम जो एक आदमी खाता है और वो जानता है, वहु यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, उसे पता है ये रिबा है, वह आलम अशद्दो मिन सित्ता व सलासीन ज़निया, वो जना के मामले से भी 36 गुना ज्यादा बड़े गुना का मुर्तकिब हो रहा है, और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जना से भी 36 गुना ज्यादा उसका जो है वो गुना जो है फरमाया। और इसी तरह की एक हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 हिस्से हैं, 70 अज्ज़ा हैं, सूद के 70 अज्ज़ा हैं, और उनमें से सबसे संगीन जो जुर्म, सबसे कम संगीन जो है, सबसे कम संगीन जो है, एक शख्स का अपनी माँ के साथ जना करना है। कम से कम 70वां हिस्सा जो है उस गुनाह का, 70वां हिस्सा वो ये इतना बड़ा जुर्म है जिसको जुबान पे लाते हुए इंसान जो है घबराता है, वो अल्फाज जुबान पे लाते हुए घबराता है। तो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, यानी उसकी इंतहाई शक्ल को बयान करना है कि ये कितना बड़ा जुर्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निगाह के अंदर है कि 70 में से 70वां हिस्सा जो है, कम से कम जो उसका गुनाह है वो ये है जिसका इंसान तस्वूर भी नहीं कर सकता। तो गोया ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के अंदर एक रिबा खाने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सात जो हैं हलाकत खेज चीज़ों से बचो, और उनमें से एक हलाकत खेज चीज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो रिबा का खाना है, रिबा का मामला है। तो गोया ये इसी तरह से 32 के करीब अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक हैं जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा की जो है वो ममानियत फरमाई, इसकी लानत को जो है बयान फरमाया, इसकी इसके हुरमत का जो है तस्करा फरमाया। तो गोया 32 के करीब ऐसी आयात आपको मिलेंगी कुरान पाक के अंदर, अहदीस जो है मिलेंगी आपको, अहदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम के फरामीन मुबारक मिलेंगे, वो 32 की तादाद में है तकरीबन, जबकि 7 आयात का तस्करा मैं इससे पहले जो है वो कर चुका हूँ, और इनमें से एक एक हदीस का आप जायजा ले लें तो इतनी सख्ती से इसकी ममानियत की गई है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी सख्ती किसी मामले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से ऐसे अल्फाज जो हैं कि उसकी सख्ती के हवाले से, उसकी ममानियत के हवाले से जो इरशाद हुए हैं। तो गोया ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो मामला था वो मैंने आपके सामने जो है वो अर्ज़ किया। और अब हम आते हैं थोड़ा सा बयान इस तरफ कि सूद की अकसाम के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने रिबा का मामला आ गया, थोड़ा सा उससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि रिबा का जो लफ्ज़ है इसकी थोड़ी सी तहकीक कर ली जाए। और रिबा जो है वो लफ्ज़ राबावा से जो है वो डिराइव्ड है, इसकी जो रूट है वो राबावा है,
राबावा जो है वो अरबी जुबान में बढ़ोतरी, नशोनुमा, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, किसी चीज़ में इजाफा होना, बढ़ना, चढ़ना, इजाफा होना, ये सारे जो मानी हो सकते हैं वो इस लफ्ज़ से निकलते हैं। जैसे रिबा फलान उसवेक का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल, ये सेंटेंस अगर कहा जाए जिससे मुराद होता है कि किसी शख्स ने सत्तुओं के ऊपर पानी डाला और वह सत्तू जो है फूल गए, तो सत्तुओं का फूलना ये भी रिबा एक तरह से, यानी उसके अंदर इजाफा होने को जाहिर करता है। इसी तरह से एक शख्स जो है टीले के ऊपर चढ़ा, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर भी ये रिबा फलानुर राबिया, एक शख्स जो है वो राबिया के ऊपर यानी टीले के ऊपर चढ़ा, तो टीले के ऊपर चढ़ना उसके लिए भी लफ्ज, गोया बढ़ना, चढ़ना, इजाफा होना, फैलना, तो ये सारे मानी जो है वो इसके अंदर आते हैं। लेकिन यहां पर रुक के आप ये देख लीजिए कि हर किस्म का इजाफा और नशो निबा और बढ़ोतरी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में मुमानियत उसकी नहीं है। ममानियत जिस चीज़ की है वो कर्ज के मामलात के हवाले से है, और दूसरा जैसे अभी हम अहादीस के हवाले से देखेंगे वो मामलात हैं जहाँ पे आप बार्टर ट्रेड करते हैं, चीज़ों का बाहमी लेन देन करते हैं और उसके नतीजे में, तो गोया उस, ये मामलात हैं जिनका भी मैं तस्करा करूँगा, लेकिन जो इजाफा तिजारत की सूरत में होता है वो इजाफा ममनू नहीं है। उसका हम तस्करा पहले पढ़ आए हैं, वह अहल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को, रिबा को हराम करार दिया। तो गया जो तिजारत में इजाफा है वो ममनू नहीं है। जिस इजाफे को ममनू करार दिया गया है वो मामला है कि जिसके अंदर आप एक कर्ज देते हैं और उस कर्ज के अगेंस्ट जो है वो आप इजाफा जो है वो लेते हैं, तो गया ऐसे मामला जो हैं वो रिबा की डेफिनेशन में और वो ममनू है, लेकिन वो इजाफा जो आप तिजारत की सूरत के अंदर करते हैं वो ममनू नहीं है। इसमें मैं यहाँ पे दो अकसाम का तस्करा करूँगा कि रिबा की दो अकसाम हैं, उनमें से एक किस्म जो है वो रिबा नसिया कहलाती है और दूसरी रिबा अलफदल कहलाती है, रिबा अलफजल कहलाती है। रिबा नसिया वो रिबा है जिसे रिबा उल कुरान भी कहा जाता है, रिबा दियून भी कहा जाता है। रिबा उल कुरान इसलिए कि इसका तस्करा, इसकी हुरमत का हुक्म जो है अल्लाह पाक ने कुरान पाक इन आयात में जिनका तस्करा भी आपके सामने हुआ उनके अंदर फरमाया है। तो गोया ये एक वाज़ेह मामला है मुसलमानों की तारीख के अंदर, कोई मुसलमान इस बात से जो है नावाकिफ नहीं था कि इस किस्म का मामला रिबा का जो है वो हराम है और अल्लाह के रसूल ने उसे मना किया है। इसलिए आम तौर पे आम लोगों के अंदर ये गुफ्तगू होती भी नहीं थी कि फला मामला रिबा है या नहीं है। अलबत्ता कुतुब मुख्तलिफ किताबें जो हैं मुसलमानों की, और जिसमें लिसानुल अरब की बात करें, तफसीर कुर्तुबी की बात करें या दूसरी किताबें, यानी इल्मी सतह के ऊपर ये बात होती रही है कि सूद का मामला किसे हम कहेंगे, वरना आम लोगों के अंदर, आम मुसलमानों के अंदर ये बात कभी भी इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं रहा कि सूद किसे कहा जाता है। या आज की 14वीं सदी के अंदर आके शायद हमें इन मामलात को बहुत ज़्यादा जो है इलेबोरेट करना पड़ रहा है कि सूद किसे कहें और किसे ना कहें। ये जो कर्ज के मामलात में जहाँ पर आपने किसी शख्स को कर्ज दिया और उसके अगेंस्ट आपने उस पर इजाफा लिया, तो गोया ऐसा मामला जो है वो कहलाएगा, वो मामला है जिसे आप कहेंगे रिबा नसिया, जिसके अंदर आप इजाफा लेते हैं। इस मामले में आप ये देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लम की मुख्तलिफ अहादीस हैं, अगर यहाँ पे सामने आ गई तो मैं आपके करूँगा आपके सामने कि हजरत अंस बिन मालिक रज़ील्ला तला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी को कर्ज दे और कर्ज लेने वाला कर्ज की रकम के अलावा उसे एक प्लेट खाना ही दे तो वो उसे कबूल ना करे, और अपनी सवारी पर सवारी की पेशकश करे तो ये भी कबूल ना करे, इल्ला कि इस किस्म का लेन देन उन दोनों के दरमियान कर्ज के बगैर भी आम हो। तो गोया आपने किसी को कर्ज दिया, उससे इतना भी फायदा उठा लेना, एक प्लेट खाना ले लेना, एक सवारी के ऊपर सवार हो जाना, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कर्ज के मामले में इतना भी फायदा ना उठाया जाए। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कर्ज दे तो उससे कोई हदिया कबूल ना करे, कोई वो उसको तोहफा देता है उसके बदले में ऐसा हदिया भी कबूल ना किया जाए। तो गया इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लम के दीगर फरामीन मुबारक भी इस हवाले से देखे जा सकते हैं। फरमाया कि अभी उमामा रज़ील्ला ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपने भाई के हक में सिफारिश करने के बदले हदिया कबूल करता है वो रिबा के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। तो गया इतना ये मामला इतना नाजुक है कि इन छोटे छोटे मामलात में भी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं मामला की रिबा में तो शामिल नहीं हो गया, कहीं हम रिबा के किसी दरवाजे से तो दाखिल नहीं हो गए। तो गया जो इससे पहले मैंने अहादीस के हवाले से आपके सामने तस्करा किया कि कोई फायदा उठाना वो भी रिबा की तारीफ के अंदर शामिल है जहां पे आपने कोई कर्ज का मामला किया। तो गया ये रिबा नसिया की मैंने बात की थी, अब हम आते हैं रिबाल फजल की तरफ, या जिसे रिबाल फजल उर्दू में हम कहेंगे। तो रिबाल फजल का मामला ये है कि जिसके अंदर एक शख्स जो है वो
किसी दूसरे के साथ बार्टर का मामला करता है और अशिया के लेन देन के अंदर कमी बेशी जो है वो की जाती है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लम से जो रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ील्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ील्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने खैबर में एक शख्स को खजूरें लाने के लिए भेजा, तो वो जनेब किस्म की खजूरें ले आया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खैबर की तमाम खजूरें ऐसी होती हैं, तो उसने जवाब दिया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक सा खजूर के इफ्ज़ दो सा और दो सा खजूरों के इफ्ज़ तीन सा लेते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तमाम खजूरों को दिरहमों के इफ्ज़ बेचो और इन दिरहमों से जुनैब खजूरें जो हैं वो खरीद लो। गोया अगर खजूरों में या जो भी आप ग्रेन्स या जो भी इसके अलावा जो चीज़ें खाने पीने की इस्तेमाल की उनके अंदर ऐसा मामला है कि जैसे हमारे यहाँ गंदम है, गंदम की आला किस्म है घटिया किस्म है उसका लेन देन कर रहे हैं, चावल आला किस्म का है और घटिया किस्म का है उसका लेन देन कर रहे हैं, खजूरों से उससे उसकी तरफ आप आइए, तो ऐसे मामलात के अंदर जहाँ पे आप थोड़ी चीज़ देकर ज़्यादा चीज़ ले लें या ज़्यादा चीज़ देकर थोड़ी चीज़ ले लें, चाहे वो घटिया हो या बढ़िया हो, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ये रिबाउल फ़दल है, और रिबाउल फ़दल के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत है उसके अंदर छः चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। ये हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ील्लाहु ताला अन्हु का इरशाद की तरफ से, और ये दो हदीस हैं। इसमें ये पहली हदीस उबादा बिन सामत रज़ील्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल फिद्दतु बिल फिद्दा वल बुर्र बिल बुर्र व शईर बिल शईर वल तमर बिल तमर वल मिल्ह बिल मिल्ह मसलम बे मसल सवाम बे सवा यदम बे यद फैज़ तलफ़ा हाजिल असनाफ़ फ़बेयु कैफ़ शेतु मिज़ाकाना यदम बे यद और कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उबादा बिन सामत रज़ील्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, और गंदम के बदले में गंदम, और जौ के बदले में जौ, और खजूर के बदले में खजूर, और नमक के बदले में नमक, इनका मामला मसलम बे मसल, इक्वल फॉर इक्वल, बराबर सराबर जो है वो इसका मामला किया जाए। अगर इनकी एक्सचेंज करनी भी है तो वो एक्सचेंज बराबरी की बुनियाद के ऊपर हो, यदम बे यद, और उसी मौके पे जहाँ पे हो रहा है उसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका मामला यदम बे यद, हाथों हाथ जो है वो किया जाए। लेकिन अगर अशिया जो हो जाए मुख्तलिफ, फैज़ अख्तलफा हाजिल असनाफ, अगर ये असनाफ जो है मुख्तलिफ हो जाए, यानी गंदम के बदले में चावल, गंदम के बदले में खजूर, या किसी और जिन्स के मामले में कोई दूसरी जिन्स, इनका मामला करते हो, तो इसमें अगर कमी बेशी हो जाए कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक किस्म की अशिया का तबादला जो है वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर हो, यदम बे यद हो, सवाम बे सवा हो, अगर उसके अंदर सवाम बे सवा का मामला आपने नहीं किया, यदम बे यदन का मामला नहीं किया, तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये मामला जो है फ़कत अरबा, दूसरी हदीस के अंदर फ़कत अरबा, उसने रिबा का मामला किया, और इससे इसकी ममानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो गोया जहाँ पे मामला ये हो कि दो चीज़ों का आपस में लेन देन किया जाए, उसकी एक शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये है कि मामले के अंदर बार्टर ट्रेड जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है। बार्टर ट्रेड की बजाय, यानी अशिया का लेन देन अशिया के बदले में करने की बजाय, उसको जो है वो कैश के बदले में, जो भी वहाँ पे करंसी आपके यहाँ जारी है उस सूरत में उसको, उसका लेन देन किया जाए। अगर आप करंसी की बजाय अगर वैसे उसका लेन देन करना चाहते हो तो फिर बराबरी की बुनियाद पे करो। अगर आपने बराबरी की बुनियाद पे वो लेन देन नहीं किया तो गया या आपने सूदी मामला किया या आपने रिबा का मामला किया, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इसी तरह से दूसरी हदीस जो आपके सामने है कि जहाँ पर भी इस तरह का मामला है इसमें कोई कमी बेशी जो है किसी सूरत के अंदर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसी तरह से एक हदीस आप देखेंगे, मैं इसको वक्त के चुके कमी है तो इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया कि जहाँ पे मुस्तरसिल की बात हो रही है, एक शख्स है जिसको मामलात का पता नहीं है, मार्केट में नया है और उसको मामलात का इल्म नहीं है, और आप उसकी लाइलमी से फ़ायदा उठाते हुए उसको चीज़ जो है महंगी दे रहे हैं, तो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि इसके अंदर भी वो रिबा की एक शक्ल जो है वो बन जाती है। इस तरह से नजश का बे नजश जो है उसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक के इस किस्म के मामला जहाँ पे किए जाते हैं, इसी तरह से तुलकिया रुकबान का मामला है, इसी तरह से बैल आइना का मामला है, इसी तरह से दीगर कई मामला जो हमारे यहाँ आज भी राइज हैं, जो जिन चीज़ों को आज हमने अपने अंदर वाज दे दिया है, उनमें से कई मामला ऐसे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनकी एक सादा सी शक्ल जो है मौजूद थी और आज जो है उसकी कम्प्लिकेटेड फॉर्म जो है मौजूद हैं। लेकिन अगर हमारे सामने वो असूल रहे तो उस असूल की रोशनी में हम देख सकते हैं कि वो मामला जो उस वक्त किया जा रहा था वो रिबा का मामला है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम फैसला कर सकते हैं।
और इसकी तफासील जो है हमारी कुतुब के अंदर बड़ी तफसील से स्कॉलर्स जो हैं और उलमा जो हैं उन्होंने लिखी हैं। इसमें एक मिसाल में देते हुए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ कि आप देखते हैं कि बाज़कात मार्केट्स के अंदर लोग ये करते हैं, ये बेनजश की बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अपने बंदे खड़े कर दिए जाते हैं और जिस वक्त नीलामी हो रही होती है तो उस वक्त हर बंदा अपनी अपनी नीलामी दे रहा होता है, अपनी बोली दे रहा होता है, तो उसमें अपने बंदे खड़े करके उनकी नीलामी के अंदर कीमत जो है बढ़ाई जाती है। और ये बेनजश का वो मामला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि इस तरीके से को भी इख्तियार मत करो, क्योंकि इसके जरिए आप जो इजाफा लेते हो वो भी एक रिबा की एक सूरत जो है वो बन जाती है। तो गोया इस किस्म का मामला जो है इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो गोया कुरान और हदीस की इन मिसालों की रोशनी में आपके सामने मैंने रिबा नसिया की भी बात की, रिबा फदल की भी बात की, वक्त की कमी की वजह से मैं मजीद इसके ऊपर बात नहीं कर पा रहा। तो ये मामला हमारे सामने है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि इन कुरान पाक की आयात को तफसील के साथ इनका मुतालिया किया जाए, इनकी तफासीर जो है इनके से मुतलक जो है उनका मुतालिया करें ताकि वो सारे मामलात हमारे सामने आ सकें जिनकी ममानत कुरान और हदीस के अंदर आई है। और इसी तरह से रिबा फजल का वो मामला है जिसके बारे में आमतौर पर अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। रिबा नसीहत तो आमतौर पर हमारे यहाँ मारूफ भी है, लोग जानते भी हैं, अगर कोई करता है अपने आप को गुनाहगार समझते हुए करता है, लेकिन रिबा फदल का मामला ऐसा है जिसके बारे में आम लोगों को नहीं मालूम। उसके ऊपर खास तौर पे हमारी मजालस के अंदर भी बात होनी चाहिए, सेमिनार्स के अंदर भी इसके बारे में मामला जो है वो सामने डिस्कस होना चाहिए, और हमें अपनी इनफरादी जिम्मेदारी समझते हुए इन मामलात को पढ़ना भी चाहिए, उन हदीस का मुतालिया करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मजीद सेमिनार्स की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम आमत उन्नास तक ये बात पहुँचाएँ अखबार के अंदर मजामीन के ज़रिए और दीगर जो भी ज़राए इसके लिए इख्तियार हो सकते हैं ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस इस हवाले से पैदा हो। कम अज़ कम अगर रियासती सतह के ऊपर ये मामला नहीं हो पा रहा और सूद का खात्मा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया तो कम अज़ कम इनफरादी ज़िंदगी में तो हमें कोई नहीं रोक रहा, उसके लिए हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम रिबा नसीहा का मामला हो या रिबा फदल का मामला हो उससे अपने आप को बचा लें। और उस के हवाले से कोई रुकावट मेरे और आपके सामने नहीं है, सिर्फ एक फैसला है, डिटर्मिनेशन है कि आज हम फैसला कर लें कि अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आ गया, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, अब हम यहाँ पे फन तहा रुक जाएं। और वरना वो सूरत है कि फाजनु बिहरबी मिनल्लाह व रसूल ही इनफरादी तौर पर हो या इज्तमाही तौर पर, ऐसा ना हो कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले के अंदर जंग के मैदान में आ जाएँ और फिर वहाँ पर हमारे लिए हार ही हार है, जीत का कोई इम्कान नहीं है। और जीत जाहिर है कि उसी रब्बुल आलमीन की होनी है जिसने पूरा निज़ाम कायम किया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ भी अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोफेसर मियां मोहम्मद अकरम साहब, सूद की हुरमत और अकसाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। आप हजरात को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खासा इल्मी मामला है, इसके अंदर बहुत से इशूज़ हैं, कुरान मजीद से क्या मैसेज मिल रहा है, अहादीस मुबारका में किस किस्म की जो है मैसेज हमें दिया गया है, और सूद की जो है किस्में कौन कौन सी हैं, आज की शक्ल में कौन कौन सी किस्में जो हैं इस वक्त आम हैं, राइज हैं, ये तमाम बातें वो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बात करने की ज़रूरत है। और मैं इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन मौजूआत पर जो है हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ, इसका सिलसिला आइंदा भी जारी रखें। तो इनकी जो है डिटेल्स क्या हैं उनके बारे में हम जो है वो कुछ सेमिनार और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अगले हमारे मुकर्रर हैं आज हमारे साथ शरीक महफिल हैं, बहुत हमें खुशी है इस बात की, इस्माइल कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जो रिबा का केस चला था उसमें ये हर स्टेज पर वहाँ मौजूद थे, जो भी जो लोग इंसदाद सूद को प्लीट कर रहे थे उनकी तरफ से उसमें ये हर जगह पर मौजूद थे। मैंने उनसे गुजारिश की है, अर्ज़ किया कि चंद मिनट के लिए अगर वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने कुछ इजहार ख्याल करें यहाँ पर, तो 5 से 10 मिनट के लिए उन्होंने वादा किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। इस्माइल कुरैशी साहब। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर मजलिस डॉक्टर सार अहमद साहब और फाज़िल मुकर्ररीन और मेहमान गिरामी लाक़ा एहतराम जनाब जस्टिस वजीद इंतहा, मैं यहाँ पर आया इसलिए था कि मैं इन सब के इरशाद आलिया को सुनूं और अपना दामन जो है इससे अपने कल्ब को और जहन को इससे इनकी जो इरशादात हैं अफकार आलिया हैं उनसे मैं इस्तेफादा करूं। लेकिन हुक्म हुआ है कि मैं कुछ अर्ज़ करूं और ख़ास मेरे अजीज़
भाई आतिफ साहब ने जिस तरह से हमारे वहाँ पे साथ दिया था, और खुद डॉक्टर साहब इस फैसले में थे, मैं उसके सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। तो जनाब बात दरअसल सबसे पहले तो ये है कि मैं जब यहाँ पे आया तो एक शेर जो है मैं डॉक्टर साहब की विसादत से जनाब दीन साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। गालिब ने कहा था कि वो आया देखियो हमने कहते थे शकीबो सबरे अंजुमन की आजमाइश है, दूर ये एक आजमाइश है आप के लिए हमारे लिए, ये इन्होंने जिस तरह से अब आजमाइशों से अपने आप को बुलंद कर दिया है, मैं समझता हूँ कि हमारी अदरिया की तारीख में बहुत कम मिसालें मिलती हैं। हजरात बात दरअसल ये है कि सबसे पहले हुआ ये कि 10 साल के लिए तो कद गन आइन में कि 10 साल तक मालियाती मामलात पर कोई रिट नहीं की जा सकती, कोई कानूनी 10 साल तक इंतजार करते रहे। उसके बाद ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर करूँ कि सबसे पहले मैंने ये सूद के खिलाफ पिटीशन दायर की। पिटीशन दायर की तो खुशकिस्मती से उस वक्त जो है इसके सरबराह थे डॉक्टर तंदीलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जदाए खैर दे, उन्होंने बड़ी मुकम्मल हर शख्स को आज़ादी थी फॉर द फेवर अगेंस्ट सब चीज़ें आने के लिए देने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिखा कि हकीकत में वो फैसला भी हमारी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। और वहाँ पर खैर मैं तो दीनी जमातों की तरफ से था, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे बड़े प्यारे और मोहतरम दोस्त जनाब एस एम जफर साहब थे। जब उन्होंने देखा कि कोई और सूरत नहीं बनती तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें मोहलत दी जाए, हम एक साल के अंदर ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत मोहलत तो ये है, हम आपको 6 महीने की देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब 6 महीने के अंदर इस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और गवर्नमेंट इसको लागू कर देगी। खैर जनाब वो 6 महीने गुजर गए, फिर वहाँ पर बैंकों की तरफ से गवर्नमेंट जो है ना तिलमन के पीछे छुपी हुई बैंकों से वहाँ पे चैलेंज करा दिया गया। और वहाँ पे भी अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला का करम व फजल था कि उस बेंच पर जो जज हजरात थे उनमें अल्लाह ताला ने उनका कल्ब नूर को कुरान से इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया था। और मैं आपसे सही अर्ज करता हूँ ये अल मुस्लिम मिरतुल मुस्लिम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है, तो वहाँ पर मैंने जो देखा है जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने जिस तरह से वहाँ पर स्टैंड लिया, एक मर्द मोमिन का स्टैंड था। और मैं फिर जिक्र करूँगा एक बात, वहाँ पे गवर्नमेंट के काउंसिल ने मैं क्या अर्ज करूँ उनका नाम नहीं लेना चाहता, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा कि हर चीज़ की देखना हमें देखना पड़ेगा कि इस हुक्म की सूद की इल्लत क्या है, इल्लत देखेंगे तो हम देखेंगे कि उस इल्लत से हम अपने आप को अगर कोई चीज़ निकलती है तो किस तरह से ये करता है। तो जो जवाब दिया है जनाब जस्टिस वहीदुद्दीन साहब ने बेंच से वहाँ पर कहा कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उसके बाद इल्लत को हुरमत को देखने की हमें कोई कतन ज़रूरत नहीं, अल्लाह का हुक्म है हम उसको उसकी हिकमतों पर उसकी इल्लतों को नहीं देखेंगे क्योंकि वो हकीम है कादिर है अजीज है मुतलक है, इसलिए हमें किसी इल्लत को और किसी इसकी तौजीह के लिए कतन ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आप देखिए वो फैसला ऐसे मालूम होता है जिस तरह कुरान में हरफ़ कुल हुवल्ला का की अपनी इनफरादियत है, वो फैसला जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब का एक फैसला है जो कुरान से और इस्लाम से बिल्कुल हमांग है। तो हजरात वहाँ पर होता रहा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अपने जिस तरह से ये होती रहती हैं करने के बाद फिर उन्होंने कहा था कि जनाब हमें 1 साल मोहलत दी जाए। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल की मोहलत ली तो आखिर में इन्हें फिर ये हुआ कि इसको किस तरह से चोर दरवाज़ा कहाँ है जिससे हम निकल के भागें और किस तरह से अपने आप को बचाएं। तो इसलिए फिर एक बीमार मुर्दा नीम जान बैंक है यूबीएल मर रहा था उसकी तरफ से उसको खड़ा कर दिया ये करने के लिए कि ये जनाब
इसकी नज़रसानी की जाए। और जहाँ मैं तो बड़ा ममनून हूँ कि डॉक्टर साहब अपनी खराबी सेहत के बावजूद उस जो प्रोसीडिंग थी तशरीफ लाते रहे, हमें उनके हिदायत मिलती रहीं, हम तो और भी तमाम आते रहे, काजी हुसैन रहमत साहब और समीर साहब, तमाम उलमा जो है उस वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें मालूम था कि ये है, तो इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पर वही चाल चली कि एक साल की मोहलत मांगी और कहा कि एक साल की हमें मोहलत दें, हम एक साल में इस मुल्क में सारा इस्लामी निज़ाम कर दें। सर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, ये कर दी जा, आपको इजाज़त दी जाती है। तो एक साल जब ख़त्म होने आया तो एक हफ्ता पेशतर, अगर मैं मुतसर कर दूंगा, एक हफ्ता पेशतर एक बैंक की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त आ गई कि जनाब ये जो है मामला ऐसे यहाँ का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, इसलिए इस पर नज़रसानी की जाए। तो उसमें जनाब बात दरअसल ये है कि आइन के लिहाज से, अब आप हजरात यहाँ के आइन पे जानते हैं, सब पड़े साहब इल्म हजरात हैं दानिश के, वहाँ पर ये था कि दो जज चाहिए थे, उल्मा जज एपलेट शरीयत बेंच के लिए। तो जनाब पीर करमशाह साहब वफात पा गए थे, एक जज रह गया था जनाब इस्मानी थे। तो मैंने जाते ही एतराज किया कि जनाब दो जजों के बगैर ये मैं आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस बेंच एट ऑल। मैंने कहा ये शरीयत बेंच है नहीं जब तक कि दो नहीं हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मामला रेफर किया सदर साहब के साथ, सदर साहब ने अपने इख्तियारात तमीज़ी से फरमाया कि चलिए एक जज से जो है हम तरमीम करते हैं रूल में, उसमें करके एक जज बैठ गए। है जनाब वहाँ पे जब मामला आया तो फिर वो एक जज साहब थे, मैं अब कुछ अर्ज नहीं करना चाहता, मैंने उनसे ये कहा था कि अगर आप तशरीफ नहीं ला सकेंगे तो शायद ये फैसला लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं मशवरा करूँगा, लेकिन फिर वो आके बैठ गए। आने के बाद जनाब उनसे नज़रसानी को मंजूर करा लिया गया, जब मंजूर सानी हो गई तो फिर उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया। फिर वहाँ पे दो जज इम्पोर्ट किए गए फ्रॉम इंग्लैंड से, तो वो उनके मुतालिक अब मैं क्या कर सकूँ। वो हजरात जो है ना, मैंने कहा कि जनाब ये ना आलिम है ना ये कोई फिर शरीयत बेंच के जज रहे हैं, इन्हें आपको ला के बिठा दिया गया है, इस पर बहस होती रही। लेकिन जनाब वो उसके बाद जो फैसला वहाँ हुआ है, लेकिन ये जो है एक ऐसा फैसला है कि आप इनके पास भेज दिया गया फेडरल शरीयत कोर्ट को कि आप जनाब इस पर कुछ पॉइंट्स हैं इनको देखें। उस वक्त जनाब फजल इलाही खान साहब चीफ जस्टिस थे, जब हम गए जनाब ये आ चुकी है आपके पास तो इसलिए देखे, तो उन्होंने कहा ये सब रिकॉर्ड है पूरी चीज़ें और सारे अखबारात में आया जब मैं, तो वो कहने लगे कुरैशी साहब ये सारे जितने पॉइंट्स कहते हैं हमने पॉइंट टू पॉइंट अपने इसमें जवाब दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास क्यों भेज दिया। जब ये हुआ तो बड़े तहलका मच गया, तो फिर उनको रुख्सत कर दिया गया बेंच से चीफ जस्टिस की हैसियत से। फिर जो हजरात आए हैं हजरात, उनके मुतालिक मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सब जानते हैं कि वो उनकी सलाहियतों का उनका अल्लाह ताला जानता है, वो जानते हैं, गवर्नमेंट जानती है। तो जनाब वो मामला आया हुआ है, अब दो उसके बाद ही फौरन हमने दरख्वास्त दी कि इसका फौरी समाप्त की जाए, 30 दिन में तो उन्होंने किया है, आप कीजिए। अब 2 साल हो चुके हैं, उन्होंने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है, उस पर हाथ नहीं लगाते और कहते हैं कि ये केस उस वक्त समाज के लिए आएगा जब इसकी बारी आएगी। इसकी बारी जनाब मैं समझता हूँ कि जब ये हुकूमत है उस वक्त तक इसकी बारी नहीं आ सकती। वो फरमाने लगे कि इसमें जो बेंच था अमरीका है नहीं आए, जब तक अमरीका है। जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। और फरमाने लगे इसमें तो इज्तिहाद की बड़ी ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने कहा जनाब पहले लोगों ने इज्तिहाद नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा इज्तिहाद है क्या, इज्तिहाद ये है कि आप ज़माने का साथ नहीं देंगे, दुरूफ में अपने आप इस्लाम नहीं ढालेंगे, बल्कि कुरान और हकीम ने जो अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक ज़माने को ढालना पड़ेगा। तो हजरात ये जो सारी चीज़ें थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था, मैं सिर्फ एक चीज़ दो चीज़ें आपसे ये करके, ये कहते हैं कि जनाब ये नामुमकिन है, इम्प्रैक्टिकल है। कादरी साहब को बुलाया गया था
फ्रांस से, उन्होंने मुझे ये दिए है, पेपर बुक दी है। इस पेपर बुक में जनाब जज साहब ने तो वो फौरन ही अपनी किताब में इसका जिक्र कर दिया है, वो मैं उसका सारा उन्होंने तो काफी ये दिए मुख्तसर में कहता डिस्कशन विद IMF एक्सपर्ट्स, ये क्या कहते हैं जनाब जिनके सारा कर्ज पे सूद पे कारोबार चलता है, वो कह रहे हैं, ये उनकी गवर्नमेंट की किताब है, ये मेरी नहीं। वो कहते हैं टू MIF एक्सपर्ट्स विद एक्सपर्टाइज इन फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन मैकेनिज्म मेट द कमीशन ऑन इट्स इन्विटेशन, ये आए हुए हैं। Detailed discussions were held with them on the practical aspects of transforming the system. Particular issues discussed with them included viability of the new pattern, new system effects on resources of mobilization, how to mobilize it, tools of machinery management, supervisory and regulatory needs of the new system. अब जनाब उन्होंने राय दी है, मैं सिर्फ उनकी चंद लाइनें आपके खिदमत पेश करूंगा। IMF एक्सपर्ट बिलीव दैट द सिस्टम इज वायबल, ये कह रहे हैं जिनका सारा कारोबार ही सूद पर है, गवर्नमेंट्स के इनके मोहताज हैं, वो कह रहे हैं कि ये वायबल है। और उसके बाद उन्होंने फिर बताया है, मैं अभी उनकी डिटेल पर नहीं जाना चाहता, जब वो कहते हैं कि वायबल है तो ये हजरात कहते हैं कि जनाब वायबल नहीं है। तो अब आप देखिए ये दरअसल जंग है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, और आप जानते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग होती है तो वही जाल हक हकल बातिल बातिल मिट जाता है और फिर हक कायम होकर रहेगा। उमा अलैना इल्ला बिलाग, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस्माइल कुरैशी साहब। असल में इसमें यहाँ पर ये बात भी बहुत अहम है कि इस्लाम की जो तालीमात हैं उनके बारे में हमारा ये ईमान है, ये यकीन है हमें कि वो हर दौर के लिए वायबल हैं, प्रैक्टिकेबल हैं। ये अलग बात है कि उन्हें उस अंदाज से पेश करना जो है उसमें हमारी तरफ से कोताही रही है। ये इस अंदाज से पेश करना कि आज के हमारे मसाइल का हल भी मौजूद है उस निज़ाम के अंदर जो अहल्लल्लाहुल बैय कहकर अल्लाह ताला ने आज से 1400 1450 1500 साल पहले बता दिया, तो वो निज़ाम जो है वो मौजूद है। ये अलग बात है कि हम उसे पूरी तरीके से जो है डिस्कवर नहीं कर सके। बहरहाल इंशाल्लाह कल जो गुफ्तगू होगी उसमें ये मौजू सामने आएगा, इस पर गुफ्तगू होगी। अब मैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ अपने खिताब के लिए। उनका तारुफ जो है आप हजरात को काफ़ी हद तक हो चुका है, माशाल्लाह इस सारे प्रोसेस में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। ख़ास तौर पर 99 का जजमेंट जो है वो जजमेंट इनकी जो इनकी लिखी हुई जजमेंट है वो उसमें बहुत ही मुमताज़ मकाम रखती है। मैं इनके हवाले से एक थोड़ा सा तारुफ और ये करा दूं कि जिस वक्त 99 में ये केस चल रहा था उस वक्त आगाज़ में मौका दिया गया था उन लोगों को जो कि इंसदाद सूद के हक में दलाइल पेश कर रहे थे, यानी जो इस्लामी साइड से एक्सपर्ट्स आ रहे थे, और बाद में गोया मौका रखा गया था बैंकों के वकला के लिए और हुकूमत की तरफ से जो भी अटॉर्नी थे उनके लिए। हमने जब आगाज में अपनी प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की, जाकर दलाइल देने शुरू किए, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो थी वो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब के सवालात को फेस करना था, इसलिए कि इनके सवालात बहुत चुपते हुए होते थे और हम केस में शाम के वक्त जब इकट्ठे होते थे तो बैठ के हम सोचते थे कि बाकी तो सब लोगों को हम हैंडल कर लेते हैं, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब से हम कैसे जो है निपटें, इनके साथ क्या मामला किया जाए। इसलिए कि जाहिर सी बात है जो भी मेरिट पर बात करने के लिए उनको दलाइल दरकार थे वो उन्हें जो है किसी भी स्टेज पर कि वो उससे जो है नीचे नहीं उतरना चाहते थे। अब ये अल्लाह की तरफ से हुआ, मैं इसे मौजज़ाना एक मामला समझता हूँ कि जब ये सारे दलाइल पेश हो गए और इनके सामने वो तमाम बातें आ गईं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर ये कैफियत हो गई थी कि आखिर में जब हकूमती इदारों की तरफ से जो है वो कला पेश होने लगे तो इन्होंने उन्हें भी बोलने में उसी तरीके से जो है वो मुश्किल का सामना करा दिया जैसे हमारे लिए हो रहा था, और बिल आखिर उनका जो जजमेंट था वो फिर दलील थी इस बात की कि अब ये तमाम मामला खुलकर सामने आ चुके हैं और उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी।
तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तारुफ है मेरे नज़र में, इसलिए कि मैंने ये तमाम सीन चार पाँच माह की जो समातें थी उसमें ये देखा है कि किस तरीके से मामलात अल्लाह ताला ने जो है ख़ास रुख पर मोड़ दी। तो अब बग़ैर किसी और वक्फे के मैं उन्हें दावत देता हूँ, जस्टिस वजीउद्दीन साहब को। वो हमारी दावत पर कराची से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर असरार अहमद साहब, जनाब इस्माइल कुरैशी साहब, जनाब प्रोफेसर मियां मोहम्मद अकरम साहब, जनाब डॉक्टर ताहिर अबरार साहब, जनाब हाफिज़ आतिफ वहीद साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं अंजुमन खुद्दामुल कुरान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने मौजूदा हालात में और एक ऐसे वक्त जबकि ये सूद का मसला तकरीबन पस पुश जा चुका है, इसको दोबारा उठाने की जसारत की। और जैसा कि हम सब हाज़रीन की यहाँ मौजूदगी से जाहिर है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नहायत कामयाब काविश है, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से एक और इब्तिदा इस सिलसिले की अल्लाह पाक की मेहरबानी से बरामद होगी। आखिरी बात को पहले लेते हुए, जो आतिफ वही साहब ने कुछ सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के बारे में जहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी तरफ से हुई उसकी तरफ इशारा दिया है, दरअसल बात यह है कि जब आप किसी अदालत में बैठते हैं तो वहाँ आपके रुझानात क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, उसका इजहार नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी को किसी वक्त भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये जज हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। और उसका बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो ये है कि ज़रा सी भी कोई बात, ज़रा सा भी कोई सवालिया निशान हो तो वो बात करनी चाहिए, और उसके बाद जब फैसले का वक्त आए तो जो भी दुरुस्त फैसला है वो सादर करना चाहिए। तो दरअसल यही हुआ इस केस के अंदर भी, कि कुछ सवालात थे जो वाज़े तरीके से उठ रहे थे, वो सवालात उन लोगों से भी किए गए जो कि सूद के खिलाफ बहस कर रहे थे, और फिर बाद में उनसे भी किए गए जो सूद के हक में हुकूमत की तरफ से बहस कर रहे थे। अब मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ उससे इब्तिदा करता हूँ। ये एक जर्मन फिलोसोफर था हेगल, 1831 इसकी तारीख वफात है, और हम आज मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी निशानदही उसने 19वीं सदी ईस्वी के अवाइल में इस तरह की थी। इस्लाम हैज लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड, इस्लाम हैज लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ हिस्ट्री, इस्लाम हैज लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ हिस्ट्री एंड रिट्रीटेड टू ओरिएंटल ईज एंड रिपोज। इस्लाम हैज लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ हिस्ट्री एंड रिट्रीटेड टू ओरिएंटल ईज एंड रिपोज। उसका तर्जुमा यह है, अरसा हुआ कि इस्लाम तारीख के स्टेज से गुम होकर
अरसा हुआ कि इस्लाम तारीख के स्टेज से गुम होकर मशरिकी आराम व आसाइश में पसपा हो गया, ये उसका कहना था। और मेरी दानिश में यह कहना उसका बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जिस अंदाज से हम लोगों ने रहन सहन इख्तियार किया हुआ है, जिस अंदाज से इस्लामी इकदार को हम पामाल कर रहे हैं, तो दरअसल हमने अपना सत्यानाश तो क्या किया है, इस्लाम का भी सत्यानाश कर दिया है। जहां तक ये आज के टॉपिक का ताल्लुक है, एक बहुत ही जामे टॉपिक है ये इस्लाम और बैंकिंग के सिलसिले में। इसके दो तीन हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा है सूदी निज़ाम के खिलाफ अदाराती और कानूनी जद्दोजहद का मंजर। मैं इस सिलसिले में कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात तो जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान कभी कायम ही नहीं हो सकता था जब तक के इस्लाम हमारा मजहब ना होता, और जब तक के मुसलमान मिन्हासुल कौम अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में ये महसूस ना करते कि वो अपने दीनी इकदार के ऊपर मुनासिब अंदाज से अमल पैरा ना हो पाएंगे। ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर के पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की गई और जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद पजीर हुआ। इब्तिदाही से इस तरह की कोशिशें होनी शुरू हुई कि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वो एक इस्लामिक सिविल सोसाइटी के अंदाज से उभरे और इस्लाम के जो सोशल जस्टिस के उसूल हैं उनको इस मुल्क में राइज किया जाए। उसकी सबसे बड़ा सबूत वो करारदाद मकासिद है जो 1949 में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास की। उसके बारे में असमा जिरानी केस में 1972 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि यह करारदाद मकासिद पाकिस्तान का ग्रून नॉर्म है। यानी ये वो जमाना था जबकि याह्या खान 1962 का दस्तूर एब्रोगेट कर चुके थे, मशरिकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो चुका था और कोई दस्तूर इस मुल्क में मौजूद नहीं था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह 1949 की करारदाद मकासिद पाकिस्तान का ग्रून नॉर्म है और अगर हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तो इस मुल्क में कवानीन की बुनियाद इसी करारदाद मकासिद के ऊपर रखी जानी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बुनियादी चीज जो है वो ये है कि ये मुल्क कायम इसलिए हुआ है कि यहां पर मुसलमान इस्लामी तर्ज फिक्र की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजार सकें और यहां पर इस्लामिक सोशल जस्टिस कायम हो। ये बुनियादी चीजें हैं। और उससे भी बड़ी एक चीज ये है कि इस करारदाद में यह डिक्लेयर किया गया कि सॉवरिंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, यानी असल हाकमियत अल्लाह पाक की है। अगर असल हाकमियत अल्लाह पाक की है तो हमारे तो सारे काम कुरान और हदीस के मुताबिक होने चाहिए। तो ये वो करारदाद मकासिद है जो कॉर्नर स्टोन है पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको रिप्रोड्यूस किया जाता रहा हर कॉन्स्टिट्यूशन में और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है।
उसके बाद हमारे पास 1954 का कानून तैयार हुआ जो असेंबली में पेश पास करने की नियत से ना किया जा सका और उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व तो उन्होंने 1954 में किया, ये दस्तूर तैयार था असल में, ये वो दस्तूर है जो तैयार था लेकिन ये पेश नहीं किया जा सका। और इससे पहले कि ये पेश किया जाता, दस्तूर सार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व तो एक्चुअली नहीं किया गया, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, असल में टेक्निकल सिचुएशन ये है। और फिर उसके बाद वो तमीज़ुद्दीन खान का मशहूर केस, वो सिलसिले आपके इल्म में है। तो पहला दस्तूर जो पाकिस्तान में पास हुआ वो 1956 का दस्तूर था, जिसको 1958 में मार्शल लॉ ला करके अयूब खान ने एब्रोगेट किया और फिर उन्होंने 1962 में अपना ही एक दस्तूर दिया। और उस दस्तूर में इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इदारा इंट्रोड्यूस किया गया, यह पहली मर्तबा हुआ, यह 1956 के दस्तूर में नहीं था। उसके बाद जब मुल्क दोलख्त हुआ और याह्या खान 1962 का दस्तूर भी एब्रोगेट उन्होंने कर दिया था, तो 1972 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें भी ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इदारा मौजूद था। फिर जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1973 का दस्तूर आया तो उसमें भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गुंजाइश थी और उसका ये इदारा मौजूद था। दीगर दसातीर की तरह से 1973 के दस्तूर में भी आर्टिकल 38 ज़ैली दफा एफ के मातहत कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है, और मैं कोट करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को, हुकूमत जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके रिबा को खत्म करेगी। ये बाकायदा वहां पर मैंडेट मौजूद है, हालांकि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में है ये, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि उनको एनफोर्स किया जा सकता है। तो 1964 ता 1966 सूद के सिलसिले में काउंसिल ने जायजे लिए और इस नतीजे पर पहुंची कि सूदी मईशत इस्लाम में ममनू है और बैंकों का लेन देन गैर इस्लामी है। ये 1964 से लेकर के 1966 तक की इस्लामी नजरियाती काउंसिल की काविशों के नतीजे में उनकी डिक्लेरेशन है। फिर उसके बाद इसी काउंसिल ने 3 दिसंबर 1969 में अपनी पिछली रिपोर्ट्स का एयादा किया। इसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने दोबारा इस्लामी नजरियाती काउंसिल से रुजू किया, जिसके नतीजे में 25 जून 1980 की काउंसिल की रिपोर्ट वकू पजीर हुई, जिसमें उन्होंने सूद को खत्म करने के लिए मुतबादिल निजाम की निशानदेही की। उसके बाद क्योंकि मकसद तो यही इन हुक्मरानों का रहा है कि बात को आगे बढ़ाते रहो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो बातों को, तो इन्होंने बैनुल अक्वामी सतह का एक सेमिनार मुनक्कद किया इन काविशों के बाद, जिसका मौजू था इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम, इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम।
और वहां पर भी उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो हासिल ना हो सका, क्योंकि इस सेमिनार में भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तजावीज को सराहा गया। इसके बाद काउंसिल ने एक मजीद जायजा लिया पिछली रिपोर्टों का, और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि डायरेक्टली जो पसमंजर में जो कुछ हो रहा था उसकी तरफ इशारा था। मैं उनके अल्फाज कोट करता हूं, खात्मा सूद के लिए किए जाने वाले इकदामात उन सिफारिशात के बिल्कुल बरक्स हैं जो काउंसिल ने तजवीज़ किए थे। यानी ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बारे में जो अमल दरामद हो रहा था उसके मुताल्लिक काउंसिल ने दो टोक अल्फाज में ये फैसला दिया कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये तो हमारे कहने के मुताबिक जो बातें हैं उसके बिल्कुल बरक्स आप कर रहे हैं। उसके सिलसिले में कुछ ज़ाती तजर्बा मैं आपकी खिदमत बयान करूँ। हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर होती है कि वो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक जज को उनके सिंडिकेट के ऊपर नॉमिनेट करें ताकि वहाँ के मामलात कानून के मुताबिक उनकी एक सुपरविजन हो सके। तो मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट पे एक जज की हैसियत से नॉमिनेट किया हुआ था। वहाँ मेरे दाएं हाथ पर जो साहब बैठते थे उनका नाम था मिस्टर एम ए काजी, और वो हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी रह चुके थे, और उन्होंने मुझे एक मौके पर बताया कि ज़ियाउल हक के साथ उनके अमेरिका के दौरे के ऊपर वो साथ में डेलीगेशन के एक रुकन की हैसियत से गए। तो उन्होंने ये बताया कि ज़ियाउल हक साहब ने अमरीकनों से ये कहा कि भाई देखो, मैं जो इस्लाम के बारे में बातें करता हूँ उसके ऊपर आप ना जाएं, ये एक ज़रूरत है हमारे मुल्क और कौम की, आप ये देखें कि मैं उस पर अमल दरामद कितना करता हूँ। यानी ये वो बात है जो कि उस डेलीगेशन के एक रुकन ने जो सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी का बड़ा ओहदा होता है उस पर रह चुका था, और उसने ज़ाती तौर पर मुझे बताई जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो यहां पर वो लोग भी जो इस्लाम का नाम लेते हैं और इस्लाम का नारा लगाते हैं वो भी एक जाहिरी शक्ल उसकी है, हकीकत में उनका दिल किस तरफ है, उनके ख्यालात किस तरफ हैं वो दीगर हो सकते हैं। ज़ियाउल हक साहब के बारे में कुछ और बातें भी अभी थोड़ी देर में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। तो ये किस्सा था इस्लामी नजरियाती काउंसिल का। अब यहां तक तो उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हो सका। अब इस असना में ज़ियाउल हक साहब ने एक और काम किया, उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और उसमें एक नए बाब का इजाफा किया जिसको चैप्टर 3A कहते हैं, और ये उसी चैप्टर के मातहत वफाकी शरई अदालत कायम हुई और उसी चैप्टर के मातहत वफाकी शरई अदालत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने का के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, और वो इदारा जो कि ये अपीलें सुने उसको नाम दिया गया शरीयत एपेलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वहां पर इस कानून में जाहिर तो ये हो रहा है कि साहब वफाकी शरई अदालत कायम हो गई है, उनका मकसद ये है कि वो मुल्क में इस्लामी कवानीन राइज करेंगे, हर वो कानून जो कि इस्लाम के खिलाफ है उसकी निशानदेही करेंगे और उसको ये रिकमेंड करेंगे कि इस कानून को रिपील किया जाए, और इसके रिपील करने के बाद इस्लामी शायर के मुताबिक नए कवानीन को इंट्रोड्यूस किया जाए। जाहिर तो ये हो रहा है, लेकिन उसमें दो बातें बड़ी खास थीं।
ایک بات تو یہ تھی کہ مالی معاملات فسکل میٹرز کے متعلق وفاقی شرعی عدالت کو اس ترمیم کے 10 سال تک فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ غالباً 1980 میں ضیاء الحق صاحب نے ترمیم انٹروڈیوس کی, تو 1990 تک وفاقی شرعی عدالت کو مالیاتی معاملوں میں کسی بھی قانون کے متعلق یہ کہنے کا اختیار نہیں تھا کہ یہ اسلامی شعائر کے خلاف ہے. ایک اپیل جس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے سنوائی کے لیے, اور ایک پٹیشن جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اپیل میں. لیکن یہ جو کاروائیاں تھیں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف, وہاں پر کوئی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی لیو گرانٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ وہاں پر پوسٹ آفس میں گئی تو وہ سمجھیے کہ انٹرٹین ہو گئی, نمبر ایک. اور اس سے بھی ایک بہت بڑی بات, کسی بھی عدالت میں اگر اپیل جاتی ہے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف, تو وہ اپیل اگر تو ایڈمٹ بھی ہو جائے تب بھی نچلی عدالت کا فیصلہ رکتا نہیں ہے, اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اسٹے نہ کر دیا جائے, اس کے خلاف حکم امتناع ہی جاری نہ کر دیا جائے. لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے واحد فیصلے تھے کہ جس میں نہ اپیل کی ایڈمیشن کی ضرورت اور نہ اسٹے کی ضرورت. اگر آپ نے اس پوسٹ آفس کے اندر جا کر کے اپنی اپیل ڈال دی تو وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ از خود اسٹے ہو جائے گا. ساری دنیا میں ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک جج کی حیثیت سے, تھوڑے بہت قوانین میں نے بھی دیکھے, ساری دنیا میں اس طرح کی اپیل اور اس طرح کے انٹرم اسٹیز کی کوئی مثال نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی. نتیجہ کیا کہ قانون تو انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہم آپ کے پاس لے آئے, سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ ہم نے آپ کے ہاں رائج کر دی, انٹروڈیوس کر دی, لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں نظر کچھ آتی ہیں اور درحقیقت ہوتی کچھ اور ہیں. خیر بہرحال, اب جب یہ 10 سال کا عرصہ گزرا تو اس اثنا میں کچھ مجاہدین, مسلمانوں میں تو مجاہدین ہوتے ہیں اور آج کل تو مجاہدین اور ٹیررسٹ ایک ہی ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, تو محمود الرحمان فیصل صاحب نے جیسے ہی وہ 10 سال کی مدت پوری ہوئی سود کے خلاف ایک پٹیشن وفاقی شریعت عدالت میں پیش کر دی. مجھے صحیح معلوم نہیں لیکن غالباً اسماعیل قریشی صاحب جو یہاں موجود ہیں شاید انہی کے ذریعے سے وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوگی یا کسی اور نے فائل کی ہوگی, میں صحیح نہیں کہہ سکتا. اس کے متعلق ایک, جس وقت کے یہ دو فیصلے آئے, پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا, اس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے, اور پھر جب ریویو میں وہ ساری چیز جو ہے وہ سلیٹ ہی کلین کر دی گئی, تو ایک آرٹیکل چھپا تھا منتھلی محدث لاہور میں, یہ ظفر علی راجہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں, انہوں نے لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے 1990 میں جو وفاقی شرعی عدالت میں جو پٹیشن داخل ہوئی سود کے بارے میں اور اس پر جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں اگر اپنے آپ کہنا چاہوں گا تو شاید الفاظ اتنے اچھے نہ ہوں, میں ان کو کوٹ کرتا ہوں یہاں. وہ لکھتے ہیں, 1990 کے دوران پاکستان کے ایک شہری محمود الرحمان فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن نمبر 30/1 داخل کی
और इस्तदा की कि अदालत रायदुल वक्त सूदी निज़ाम मईशत को गैर इस्लामी करार देकर उस पर पाबंदी आयद कर दे और हुकूमत को हिदायत करे कि वह पाकिस्तान के माशी निज़ाम से सूद का चलन ख़त्म कर दे। अदालत ने सूद के केस की समाअत शुरू की तो बहुत से दूसरे इदारे, अशखास, कानूनदान और ख़ुद हुकूमत इस तरफ मुतवज्जे हुई और अदालत के पास सूदी मसले पर कुल मिलाकर 115 मुकदमात जमा हो गए। वफाकी अदालत ने इन सब मुकदमात की मुश्तरका समाअत की और अक्टूबर 1991 में 157 सफात पर मुश्तमिल अपना तारीखी फैसला सुनाया। अब आप देखिए, अगर जज सही हों तो फिर क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर इतना वेल कंसिडर्ड और इतना जखीम फैसला उन्होंने आपको दे दिया। वफाकी शरई अदालत चीफ जस्टिस तंजीलुर रहमान, जस्टिस फिदा मोहम्मद खान और जस्टिस उबैदुल्ला खान पर मुश्तमिल थी। अदालत ने अपने फैसले में न सिर्फ ये कि सूद की तारीख मुतय्यन की बल्कि मुल्क में राइज तमाम कवानीन का जायजा लेकर बैंकारी समेत तमाम सूदी लेन देन को हराम करार दे दिया और हुकूमत और तमाम सूबों से कहा कि वो 30 जून 1992 तक मुतालिका कवानीन में तब्दीली कर ले। अदालत ने यह भी करार दिया कि 1 जुलाई 1992 से तमाम सूदी कारोबार गैर इस्लामी होने के नाते ममनू करार पा जाएंगे। अब क्या होता है, अब यह होता है कि वो जो 1980 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जियाउल हक साहब लेके आए थे उसकी बुनियाद के ऊपर, इससे पहले कि वो मुद्दत पूरी हो, जुलाई 1992 आए, इससे पहले जो इंटरेस्टेड एलिमेंट्स थे उन्होंने फौरन जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर दी और वो अपीलें जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया खुद ब खुद ही एडमिटेड तसव्वुर हुई और खुद ब खुद ही उन पर स्टे हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट में बैठने की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, मामला खुद ब खुद खत्म। अब यह सिलसिला 1992 से लेकर के और 1999 तक ऐसे ही चलता रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें पड़ी हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। एक अहम मामला है, फैसला हो चुका है, अमल दरामद होना चाहिए। यह कैसे किया गया, उसका तरीकाकार यह अपनाया गया कि अक्सर व बेशतर सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपेलेट बेंच का जो कानून है वो ये है कि वहां ज्यादा से ज्यादा 2 उलमा जज होते हैं और आम तौर पर 3 सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज होते हैं, तो रेगुलर जज तो वहां है ही सुप्रीम कोर्ट में, उनके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उल्मा जज अक्सर करके अपॉइंट ही नहीं किए गए और अगर उनमें से कोई बीमार हो गया तो वो हालांकि बिल्कुल साहेब फराश है उसकी जगह किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया। और भी तरीकाकार अपनाए गए होंगे, एक वाजे सी चीज जो कि कागजात में नजर आती है वो ये है कि तरीकाकार अक्सर करके यही हुआ। और उसमें एक और तरीका भी हुआ और वो ये कि जिस वक्त के पेशी का सिलसिला हो तो उन 2 उल्मा में से जिसको चाहो डी नोटिफाई कर दो, यानी उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नोटिफिकेशन इशू करके कि साहब फलां साहब को सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपेलेट बेंच का जज मुकर्रर कर दिया।
और उनको क्योंकि उनकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, उनको जिस वक्त चाहो डीनोटिफाई कर दो। तो इस मसले के मुतालिक अभी आज डॉक्टर असरार साहब से बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने कुछ तरामीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सजेस्ट की हैं, जिसमें से एक तरमीम ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपिलेट बेंच में जो उल्मा जज साहिबान मुकर्रर किए जाएं, एक तो ये कि वो सही तरीके से क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको वफाकी शरीयत अदालत से लिया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की होती हैं, यानी उसमें मुद्दत भी और दूसरी तमाम चीज़ें वो सब शामिल हैं, तो उससे गालिबन ये मसला ना हो। तो ये तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया। अब 1999 में जब वहां पर इत्तिफाकन शरीयत एपिलेट बेंच कायम करने का मौका था, तो बेंच बनी, एक जाती बात यहां पर अर्ज करना चाहूंगा, और वो इसलिए कि उसकी कुछ अहमियत है और उससे जाहिर होता है कि अल्लाह पाक मामलात को किस तरीके से अपने नौइयत से समेटते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सेशन यहां लाहौर में हो रही थी, ये गालिबन 1998 की बात है, तो मुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था और यहाँ पर बेंच आई हुई थी, हम लोग लाहौर में बैठे थे, तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया किडनीज का, तो एक किडनी के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ग्रोथ मालूम होती है, और क्योंकि किडनी के मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ होती है तो आम तौर पर ये मैलिग्नेंट ही होती है, तो जब ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा भाई मैं तो कराची जाऊंगा और वहां जाकर के मैं इसको देखूंगा। खैर मैं वहां गया तो उन्होंने भी ये कहा कि ग्रोथ है और इसको किडनी को निकाल देना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात मालूम हो और जल्दी से उस पर अमल दरामद हो सके। तो मैंने वहाँ एडमिट हो गया, ऑपरेशन मैंने कराया। वो इत्तेफाक ऐसा था कि वो दिसंबर 1998 की जो विंटर वेकेशंस हैं उससे पहले ये बात पेश आई, तो वो ऑपरेशन मेरा विंटर वेकेशंस में ही हो गया, और डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप 6 हफ्ते की रेस्ट करें, तो मैंने बजाय इसके कि मैं पूरे 6 हफ्ते के लिए करता, मैंने तकरीबन कोई 5 हफ्ते के मुतालिक मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा कोर्ट में। खैर अभी वो वक्त पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये पूरा 6 हफ्ता कर लेते हैं, क्योंकि क्या ज़रूरत है कि रिस्क लिया जाए, ये इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के टेलीफोन किया, मैंने कहा भाई मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते और नहीं आऊँगा, तो उसका नोट पुट अप कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। तो मैं वहाँ कराची में सर्किट हाउस में, घर तो मैंने किराए पर दे दिया है जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सर्किट हाउस में ठहरा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जहाँ ठहरते हैं, तो वहाँ तबीयत कुछ मेरी घबराई, मैंने कहा क्या ज़रूरत है चले चलते हैं। तो मैंने फिर टेलीफोन किया इससे पहले कि वो मुद्दत पूरी हो जो मैंने इब्तदाई जो वक्त मैंने मांगा था, तो मैंने रजिस्ट्रार से कहा भाई मैं आ रहा हूँ, वो जो मैंने आपसे मजीद वक्त मांगा था चीफ जस्टिस के पास नोट पुट अप करने का, मैं वो नहीं लूँगा, मैं आ रहा हूँ। खैर मैं चला गया। अब ये मुझे याद नहीं कि ये उससे पहले की बात है या उसके बाद की बात है, लेकिन मेरे इल्म में ये आया कि शरीयत एपिलेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है और उसमें मुझे भी रखा गया है। चीफ जस्टिस उस वक्त अजमल मियां थे, तो वो ये कहने लगे भाई मैंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट की थी और जब आपका मालूम हुआ कि आप नहीं आ रहे हैं तो मैंने एक और जज साहब को आपकी जगह नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन जब मालूम हुआ कि आप आ रहे हैं तो फिर मैंने जो ओरिजिनल बेंच थी उसी को मेंटेन किया। अब वो जज साहब की सुन लीजिए,
जिनको मेरी जगह नॉमिनेट किया था। 1986 में कुछ फैसले सिंध हाई कोर्ट के आए, तकरीबन 3 फैसले हैं वो, और जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब उस वक्त वहाँ हाई कोर्ट के जज थे, मैं एडवोकेट जनरल था सिंध का, मैंने उनकी मावनत किसी हद तक की थी उन फैसलों में। तो ये वो जमाना है जबकि वफाकी शरी अदालत जो माली कवानीन है, फिस्कल कवानीन है, उनका इस्लाम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि 1990 तक ये नहीं हो सकता। तो तंजीलुर रहमान साहब ने करारदाद मकासिद की बुनियाद पर, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रून नॉर्म बताया था और जो के आर्टिकल 2A जियाउल हक साहब का ही ऐड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि करारदाद मकासिद भी उतनी ही इफेक्टिव होगी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के दीगर ऑपरेटिव पार्ट्स इफेक्टिव हैं। तो उन्होंने उस करारदाद की बुनियाद के ऊपर सूद का मसला टेकअप किया और कम से कम 3 फैसले उन्होंने ऐसे दिए कि उन्होंने कहा कि सूद पाकिस्तान में राइज नहीं हो सकता, ये गलत है, और उन्होंने बैंकों के कुछ केसेस थे तो उसमें उन्होंने सूद अलाउ नहीं किया। '88 में एक इसी तरह का केस मेरे पास आया जब मैं हाई कोर्ट का जज बन गया, तो रिपोर्टेड केस है वो भी इनाम दुर्रानी के नाम से, 1989 में रिपोर्टेड है कराची के पार्ट में पीएलडी के। तो मैंने तंजीलुर रहमान साहब के जो फैसले थे उनको एक्सेप्ट किया कि ये सही है, हाई कोर्ट को इस बात का अख्तियार है, मैंने कहा कि वो किसी भी कानून को आर्टिकल 2A के मातहत यानी करारदाद मकासिद के मातहत इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। मैंने कहा सही डिक्लेयर किया है, मैं भी उसमें साथ में हूं, लेकिन मैंने उसमें एक बात कही, मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ मुल्क जो है वो इन्फ्लेशन का शिकार है। अगर आपने किसी को 100 रुपया उधार 5 साल पहले दिया है और वो 5 साल के बाद आपके पास 100 रुपया लेकर आता है तो वो 100 रुपये की खरीद फरोख्त परचेजिंग पावर वो नहीं है जो कि 5 साल पहले थी, यानी वो चीज जो कि 5 साल के बाद उस 100 रुपये से आती है वो गालिबन 5 साल पहले के 60 रुपये के बराबर उसकी परचेजिंग पावर होगी। तो मैंने ये कहा कि इस्लाम में क्योंकि न जुल्म करने की इजाजत है और न जुल्म सहने की इजाजत है, लिहाजा इस तरह के इन्फ्लेशन को हम देख सकते हैं, और उसके देखने के बाद अगर हम ये महसूस करें कि रकम को किस तरीके से मसावी किया जाए तो उसका इक्वलाइजर हम अलाउ कर सकते हैं। खैर, अभी मैंने ये फैसला दिया ही था कि तकरीबन कोई 3 या 4 महीने में उन्हीं साहब के पास उसी तरह का केस लगा जिनको के मेरे बजाय सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपिलेट बेंच में मुकर्रर किया जाना था अगर मैं ना आता तो। उन्होंने वो 3 महीने के अंदर अंदर ना तंजीलुर रहमान साहब के फैसलों से एग्री किया ना मेरे फैसले से एग्री किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो करारदाद मकासिद है ये तो इस पे अमल दरामद हो ही नहीं सकता, और उसमें एक टेक्निकल लफ्ज होता है कि ये एग्जीक्यूटरी लॉज नहीं है, इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो अब आप ये सोचिए कि अगर तो इस किस्म का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपिलेट बेंच के ऊपर बैठ जाता तो क्या होता। तो ये कवानीन कुदरत इस तरीके से ऑपरेट होते हैं अगर तो कोई चीज करानी होती है। हर भारत अब वहां पर जो केस चला, ये जो 118 अपीलें आई,
तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने पेश हुई वो ये हुई कि जनाब हुकूमत की तरफ से कि हम तो अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं, हम तो ये अपीलें चलाना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ये केस वापस करें, वफाकी शरई अदालत को वापस भेज दें और उनसे हम ये पूछेंगे कि भाई इसके ऊपर अमल दरामद कैसे हो, ये जो आपने फैसला किया है इस पर अमल दरामद कैसे हो। तो वहां हमने उनसे कहा, अच्छा वो दरख्वास्त जो है वो तकरीबन 3-4 साल पुरानी पड़ी हुई थी, उस पर फाइल नहीं हुई थी, 4-5-6 साल पुरानी दरख्वास्त वहां पड़ी हुई थी, एग्जैक्ट मैं इस वक्त याद नहीं है कितने साल थे लेकिन बहरहाल काफी वक्त से पड़ी हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि भाई वो तो वफाकी शरई अदालत पहले ही कह चुकी है कि अमल दरामद कैसे हो, फिर अलावा इसके इस्लामी नजरियाती काउंसिल 10 दफा कह चुकी है आप तो अमल दरामद करना ही नहीं चाहते इसलिए ये बातें कर रहे हैं। खैर भारत, तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई फरीक ये कहे कि हम अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं और कोर्ट ये कहे नहीं जी हम नहीं देते आपको, लेकिन हमने ये किया, हमने उनकी दरखास्त को खारिज किया, वो भी रिपोर्टेड केस है, ये यहां पर एक किताब पड़ी हुई है उसमें है, हमने उसको खारिज किया और हमने कहा नहीं हम तो इन अपीलों को मेरिट्स के ऊपर सुनेंगे और जो भी फैसला होगा हम करेंगे। खैर वो सुना गया, अब वो सुने जाने की भी रुदाद इसी मुहद्दिस जो का जो जुलाई सन 2002 का जो पार्ट है उसमें उन्होंने दी है, बेहतर यह है कि वहां से पढ़ूं। शरीयत एपेलेट बेंच ने उन अपीलों की कई माह तक मुसलसल समाअत की। इस फाजिल बेंच में मिस्टर जस्टिस खलीलुर रहमान खान बतौर चेयरमैन शरीक थे, जबकि यहां मेरा नाम है, जबकि सो एन सो मिस्टर जस्टिस मुनीर शेख, मिस्टर जस्टिस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और मिस्टर जस्टिस डॉक्टर महमूद अहमद गाजी बतौर मेंबर शामिल थे। मुकदमे की समाअत जुलाई 1999 में अपने अंजाम को पहुंची। अब यहां भी आपको बताता चलूं क्योंकि ये दर्ज नहीं है यहां पर, सबसे पहले तो जब केस शुरू हुआ तो सरकारी इदारे और सरकारी वकला जो हैं जिसमें अटर्नी जनरल भी शामिल थे, उन्होंने कहा जी आप पहले उन लोगों को सुन लें कि जो सूद की मुखालफत में बोलना चाहते हैं, यानी उनको सुन लें जो कि वफाकी शरई अदालत से केस जीत के आए हैं। ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर वो जो हार के आता है वो पहले बहस करता है। कहने लगे नहीं इनको सुन ले पहले, हमने कहा चलो उससे क्या फर्क पड़ता है, सुन लेते हैं इन्हें। तो वहां पर जो अच्छा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं सबसे बाद में बोलूंगा, फिर वहां बहस हुई, बहस इख्तिताम पजीर हुई। तो वहां पर जो उनकी तरफ से वकील साहब पेश हो रहे थे उन्होंने तकरीबन बहस तो पूरी कर ही ली थी, उसके बाद वो गायब हो गए। सरकारी वकील की बात हो रही है ये, और कोई दरखास्त नहीं, कुछ नहीं। पता किया कि भाई क्या बात है, टेलीफोन कराया उनको, हालांकि अदालतों में ऐसा होता नहीं है, पता करो भी क्यों नहीं आ रहे, कि जी पता नहीं वो फलाना उनका कोई बीमार है या कुछ और चीज है, फिर किसी और से मालूम हुआ कि उनको वो कहते ही हैं कि मुझे फीस पूरी नहीं मिली है। खैर अटॉर्नी जनरल को अस खुद आना चाहिए था, वो भी नहीं आए, उनको भी नोटिस भेजा। तो इन हालात में पूरी यानी कई तारीखें दी इस लिहाज से कि कहीं बाद में ये दरखास्त लेकर के ना आ जाएं कि जी हमें दोबारा सुनिए,
تو ایک نہیں کئی کئی تاریخیں دیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں اب آ جائیں. ان حالات کے اندر کیس کو آرڈرز کے لیے ریزرو کیا گیا. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے, یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا زمانہ نہیں ہے, یہ مسلم لیگ کا زمانہ ہے, نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کا زمانہ ہے, اور وہ زمانہ ہے جبکہ وہ حکومت اسلامک شعائر کی بنیاد پر مینڈیٹ لے کر کے الیکٹ ہوئی تھی. یہ وہ زمانہ ہے. ان کو تو اپوز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کنفرم کریں اس فیصلے کو اور ہم ویسے ہی عمل کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. خیر بہرحال وہ غائب ہو گئے, ہم نے آرڈر ریزرو کر لیا. اب وہ اس کے متعلق کیا ہوا آرڈر ریزرو کرنے کے بعد, وہ میں علیحدہ سے آپ کو بتاؤں گا. میں وہیں سے پڑھتا ہوں جہاں وہ اقتباس میں پڑھ رہا تھا. مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی. موجود عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقہی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے وکلا حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین, معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکالرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں. عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق ایک درجن سے زیادہ قانون دانوں, معاشی ماہرین, محققین اور علماء سے رابطہ کیا, جن میں ڈاکٹر وقار مسعود, ڈاکٹر ارشد زمان, عمر چھاپڑا, پروفیسر خورشید احمد, مولانا حافظ عبد الرحمان مدنی, عبدالجبار خان, خالد مساق, ابراہیم سادات, ڈاکٹر نواب حیدر نقوی, سید طاہر, مولانا گوہر رحمان, ایس ایم حسن, خالد مجید, سبقت اللہ, ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور ایس ایم ظفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے. اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی. کچھ وکلا صاحبان کو علالت کی وجہ سے مشکل تھی, کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے, ہم شریعت اپیلیٹ بینچ کو کراچی لے کے گئے, وہاں بھی سنا ہم نے جا کے. اس موقع پر فاضل عدالت نے اپنے وکلا اور اسکالرز کی سہولت کے لیے کم از کم 10 سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت 118 اپیلوں میں اٹھائے گئے نکات میں سے اخذ کیے گئے تھے. ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سود سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے 500 سے زائد کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے. جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں, اور 1500 سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاسیر اور فقہی آراء کے ہزاروں صفحات پر مشتمل سود سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لایا گیا. قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً 2000 احادیث بھی, یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے, یہ درست نہیں ہے. اس سارے مواد کی چھان پھٹک, عمیق مطالعے اور علماء و وکلا کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت اپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا.